जैसे मैंने आपको बोला है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, पूरा का पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हीट थर्मल पार्ट वन ऐसा बोलते हैं, हीट थर्मल पार्ट टू। अब हीट थर्मल पार्ट वन का मतलब क्या होता है पता है? हीट थर्मल पार्ट वन में बेसिकली पांच चैप्टर आते हैं, फाइव चैप्टर लैग, तो फाइव चैप्टर्स आते हैं। तो हीट थर्मल पार्ट वन में गाइस फाइव चैप्टर्स आते हैं। फाइव चैप्टर्स में कौन से कौन चैप्टर्स है? पहला चैप्टर है अपना हीट एंड टेम्परेचर, जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर होता है, लेकिन मैंने उसको अभी आज पढ़ाऊंगा। हीट एंड टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के नाम है। हीट एंड टेम्परेचर मतलब उसमें अपन थर्मल एक्सपांशन, कुछ कुछ जगह पे उसको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर को, राइट। तो हीट एंड टेम्परेचर के बाद कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये दो चैप्टर्स हो गए जो अपने ये दो लेक्चर में खत्म हो गए, राइट। उसके बाद हम लोग अगले वीक में हम लोग जो लेक्चर लेंगे, मतलब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्पेसिफिक कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, ये पूरा का पूरा तीनों तीन चैप्टर एक ही बकेट में आता है। मतलब ये तीनों तीन चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मतलब कंसेप्ट एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, थर्मोडायनामिक्स में, तो हर एक सेम चीजें उधर आने वाली है, ठीक है गाइस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, ये तीनों तीन चैप्टर्स एक्सकर्मा में अलग अलग दिए हुए, लेकिन ये एक ही बकेट में आता है। तो उसके लिए अपने को अराउंड तीन लेक्चर लगेंगे, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। सो विल नीड थ्री मोर लेक्चर्स टू फिनिश दिस। अब ये जो पूरा का पूरा होता है, फाइव चैप्टर्स का जो सेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड थर्मल पार्ट वन। हीट एंड थर्मल पार्ट टू जो होता है, उसमें एक ही चैप्टर आता है, हीट ट्रांसफर, एकदम सिंपल सा टॉपिक है वो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर, तो ऐसा करके मैंने क्या बोला, सिक्स चैप्टर्स हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है अपने इसका। और नीट में, जेई मेन में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इस केस में कुछ 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 पार्ट में, जेई मेन के कुछ कुछ पार्ट में हीट एंड थर्मोडायनामिक पूरे सेशन के ऊपर तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक सेशन में तीन से चार क्वेश्चन भी पूछे गए थे, नीट में एक अराउंड पांच से छह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो ये इसको ना निग्लेक्ट नहीं करना है, इजी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूंगा, सुनो सब लोग सुनो, अपना एक बार आपको ब्रेक मिल जाएगा, ब्रेक के बाद हम लोग जब अगला सेशन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स वाला, उसके पहले मैं वेव्स के एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पूरा एक फॉर्मूला शीट कैसे बनाना था, उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ना छोटे छोटे जो रिविजन नोट्स आपको रेडी करना है अभी पैरेलली, ठीक है। अब तक रेडी नहीं किया होगा तो एटलीस्ट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से चालू करो और फिर पीछे वाला करो, राइट। तो ये जो छोटे छोटे जो रिवीजन नोट्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर करते रहने, मतलब पूरी की पूरी फॉर्मूला लिस्ट, जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को ये दो पेज का फॉर्मूला देख लिया, आपको पूरा का पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स याद आना चाहिए, खत्म, ठीक है। वैसे ही वेव्स का पूरा फॉर्मूला लिस्ट देख लिया, पूरा का पूरा वेव्स याद आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को फॉर्मूला लिस्ट भी बनानी होती है, जो हम लोग आगे आगे जैसे जाएंगे वो बनाते रहेंगे। अभी के लिए तो आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पूरा का पूरा बना दो, तो एटलीस्ट अप्रैल थर्ड वीक तक आपका पूरा का पूरा, मतलब आगे के लेक्चर तक अपना पूरा का पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का तो हो जाएगा। फिर वेव्स का बनाओ और फिर बचा हुआ हो चीज जब टाइम मिलेगा मैकेनिक्स का बनाओ, ठीक है गाइस। ठीक है, सो चलो रिकॉर्डिंग भी हो रही है यहाँ पे, सो लेट्स स्टार्ट विथ, पानी पी लेता हूँ, लेट्स स्टार्ट विथ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हाँ, किसी ने बोला कि फुल लेंथ टेस्ट में हीट आएगा क्या? सो गाइस, फुल लेंथ टेस्ट में कैलोरीमेट्री, हीट एंड टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स उतना तो आ जाएगा। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स फुल लेंथ ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन? क्या फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन? ऑनलाइन रहेगा ना, तो उसमें वो पूरा का पूरा उतना तो आ जाएगा, ठीक है। सर कभी होगा फुल लेंथ टेस्ट? सर कभी होगा फुल लेंथ टेस्ट? हाँ, क्या बोल रहे हो? फुल लेंथ टेस्ट कभी होगा? फुल लेंथ थर्ड वीक में है ना, आपको छुट्टी के जस्ट पहले वो रहेगा, देखो ना। सो गाइस, एक मिनट इसको अंदर डाल देता हूँ।
चलो, सो हीट एंड टेम्परेचर। अब हीट एंड टेम्परेचर के अंदर जैसे मैंने पिछले बार अपना एक कैलोरीमेट्री वाला पूरा का पूरा चीज तो हो चुका है, कैलोरीमेट्री पूरा का पूरा हो चुका है, उसको मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ। कैलोरीमेट्री हो चुका है, कैलोरीमेट्री के एचसीओआर में आपको पूरा का पूरा करना है, मैंने आपको बोला था राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं, एक हाथ क्वेश्चन टाइम बचा तो कैलोरीमीटर, अब हम लोग जाते हैं हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मैं बताता हूँ तो वीडियो को देखना होता है, वीडियो को जब मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो को देखना होता है, नहीं तो किसको देखना होता है, अपने पीपीटी को जब आप लिखोगे तो स्क्रीन शेयरिंग बाद में देखनी होती है, ठीक है। आगे का लाइट बंद करना पड़ेगा, हाँ ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे देख लो गाइस सब लोग, हीट मतलब देखो यहाँ पे पहली चीज हीट एंड टेम्परेचर में पहला ज्यादा टेम्परेचर स्केल्स, आपको सबको पता ही है जनरली अपने सिलेबस में ये तीन स्केल्स है, ठीक है। वैसे जनरली टोटल फाइव स्केल्स होते हैं टेम्परेचर स्केल्स में, टोटल फाइव स्केल्स होते हैं। किसी को पता है यहाँ पे, मतलब जैसे फर्स्ट स्केल है सेल्सियस स्केल, सेकंड स्केल है केल्विन स्केल, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं उसको, थर्ड होता है फारेनहाइट स्केल, इतना तो पता है, मतलब टेम्परेचर को उसमें मेजर करते हैं। मुझे तो चौथा और पांचवा स्केल कौन सा है, किसी को पता होगा यूनिट्स कौन सा, ब्रिटिश टेम्परेचर स्केल, रैंकाइन, हाँ रैंकाइन स्केल है एंड र्यूमर स्केल है, ठीक है। तो र्यूमर एंड रैंकाइन ऐसे पांच स्केल्स होते हैं जिसमें र्यूमर एंड रैंकाइन ज्यादा यूज नहीं करते, तो इसलिए मैं उसको पढ़ा के फायदा नहीं है, ठीक है। अपने को क्या है, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फारेनहाइट स्केल, ठीक है। ये तीन स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सबको पता है। अब यहाँ पे एकदम सेल्सियस स्केल में आपको पता है कि सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस में अपन इसको मेजर करते हैं, तो ये डिग्री सेल्सियस में होता है, ये होता है केल्विन में, और फारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कुछ लिखते हैं उसको। अब ध्यान में रखना, अब इन सब स्केल्स में मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई जो इसके अंदर मतलब केल्विन कितना सेंटीग्रेड, कितना फारेनहाइट मतलब कितना सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट इसके अंदर का कन्वर्जन, बराबर है ना। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, और कन्वर्जन निकालने के लिए ना अपने को गाइस एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। यहाँ पे देखो कोई भी चीज को, एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला बनाता हूँ। सब ये फॉर्मूला जो होता है, देखो कोई भी स्केल जो होती है ना, ठीक है, एक स्केल के दूसरे स्केल के अंदर का कन्वर्जन, ये कन्वर्जन फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सब राइट बिल्कुल अमन सर ने करवाया, इसलिए फास्ट फास्ट जाऊंगा, ज्यादा मैं टाइम नहीं गवाऊंगा। यहाँ पे देखो क्या होता है, किस तरीके से बेसिकली ये फॉर्मूला काम में आता है। तो पहले स्टीम पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट कोई भी चीज का जो स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है, जो स्टीम पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट अपन सेल्सियस स्केल का अपने को सबको पता है, 0 डिग्री 100 डिग्री, बहुत टाइम से यूज करे जा रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत टाइम से ये चीज यूज करे जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर का मतलब कोई भी स्केल का वैसे स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट होगा, हर एक स्केल का अपना स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट होता है, जैसे मैंने डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे फारेनहाइट स्केल है, देखो यहाँ पे फारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, इसके अंदर का कन्वर्जन जनरली यूज मतलब पूछा जाता है, तो इसलिए मैं उसका जनरली आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करने का, कोई भी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर अपने को चाहिए, माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो होता है ना, ये होता है हमेशा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने सेल्सियस स्केल का ये दिया, ठीक है, ये सेल्सियस स्केल का दिया, तो मुझे तो फारेनहाइट स्केल का क्या होगा, ये सेल्सियस स्केल का है, फारेनहाइट स्केल का स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट पता है क्या तुम लोग को, ठीक है। स्टीम पॉइंट क्या होता है, ठीक है, स्टीम पॉइंट को मैं एसपी लिखता हूँ, हाँ स्टीम पॉइंट लिखता 212 राइट डिग्री फारेनहाइट। और आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट क्या होता है, आईपी मतलब आइस पॉइंट, कितना होता है वो, 32, ठीक है, 32 डिग्री फारेनहाइट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब मुझे सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल इन दोनों के अंदर का रिलेशन चाहिए, कितना सेंटीग्रेड मतलब कितना फारेनहाइट, कितना फारेनहाइट मतलब कितना सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल टू फारेनहाइट स्केल या फारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल,
ये कन्वर्जन, ठीक है। अब इस कन्वर्जन को मुझे करना है तो क्या करूंगा, कोई भी टेम्परेचर, अभी काम करते सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर को मैं सी लिखता हूं, तो कोई भी टेम्परेचर सी माइनस आइस पॉइंट जीरो डिग्री है, डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट कितना है 100 डिग्री माइनस आइस पॉइंट कितना है जीरो डिग्री, ये सेल्सियस स्केल का हो गया। कुछ अलग कलर यूज करता हूं ये वाला, ठीक है, कुछ अलग कलर, ग्रीन का कलर यूज करता हूं। अभी मैं एक करता हूं मैं फारेनहाइट स्केल के लिए, फारेनहाइट स्केल का स्टीम पॉइंट कितना है 212, तो नॉर्मल टेम्परेचर अपन एफ लिखते हैं माइनस स्टीम पॉइंट सॉरी आइस पॉइंट 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन हो गया गाइस, ये जो कन्वर्जन हो गया, ये कन्वर्जन हो गया सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, ये सबको आपको मतलब इजी होता है गाइस, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गया, सी बाय 100 एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180, ठीक है। अब इसको इधर इधर लेके जाओ, तो आइदर फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन या सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट कन्वर्जन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे F चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ F चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, तो 180 डिवाइड बाय 100 इंटू सी प्लस 32 आ गया। अब 00 कट, तो 9 डिवाइड बाय 5, राइट। तो फारेनहाइट स्केल में क्या होता है, 9 बाय 5 सी प्लस 32, ये एक कन्वर्जन वाला टाइप का फॉर्मूला मिलता है जो आप याद भी रख सकते हो। कभी कभी नीट जैसे एग्जाम्स में फास्ट कन्वर्ट करना है सपोज, तो कभी कभी ये डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बात बोला था, जैसे अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए एंड सीईटी के लिए हम लोग एक पूरी की पूरी फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे, जिसको ना आपको रटनी पड़ेगी, मतलब उसको रोज रोज रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट एंड सीईटी में कैसा होता है, क्वेश्चन बहुत ही इधर क्विकली करना होता है एक मिनट में, ठीक है। जेई मेन जेई एडवांस का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, जिसके लिए अपने को थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना पड़ता है। तो अभी आप सब लोग कंसेप्चुअली सोच रहे हो, कुछ टाइम के बाद जेई नीट एंड सीईटी के लिए लोग थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करेंगे, जेई मेन एंड एडवांस के लिए लोग अलग अप्रोच यूज करेंगे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया, आपको पता है एक कन्वर्जन तो सबको, जो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिखता हूँ, केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड वाला कन्वर्जन, वो तो डायरेक्टली आपको सबको पता ही है, ठीक है। केल्विन में मेजर करना होता है, तो केल्विन वाला क्या होता है, कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड वाला टाइम प्लस क्या करना है 273.15, इसको ऐड करना है, राइट गाइस, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ये केल्विन टू सी वाला, तो ये जनरली होता है। अभी किसी ने बोला केल्विन एंड फारेनहाइट वाला बताओ, तो केल्विन एंड फारेनहाइट वाला बताओ, तो केल्विन एंड फारेनहाइट का कितना होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। तो केल्विन एंड फारेनहाइट में क्या करना है, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट पता होना चाहिए आपको केल्विन में, तो केल्विन में स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट कितना होता है, तो स्टीम पॉइंट होता है 273.15, आइस पॉइंट आइस पॉइंट होता है 273.15, स्टीम पॉइंट होता है 373.15, ठीक है। ऐसा लेके इसी फॉर्मूला में लगा दो तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा, पहले फटाफट हेडिंग डाल दो, टेम्परेचर स्केल्स कितने कितने होते हैं, तीन स्केल लिख दो यहाँ पे, रूमर और रैंकाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तीन स्केल पहले लिख दो, सेल्सियस केल्विन एंड फारेनहाइट। और पहले वाला देखो 10-15 से 20 मिनट, थोड़ा सा एक आधा घंटा पकड़ लेते, बोरिंग जाने वाला है आपको, ठीक है, क्योंकि एक्सपांशन वगैरह भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लो, ये तीन स्केल लिख दो फटाफट लिखो चलो। और कन्वर्जन बिटवीन अलग अलग स्केल, कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट स्केल, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं करवाता हूँ इसके ऊपर, पहले ये कर लो फटाफट, लिखा आपने चीज को, यस सर, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, कन्वर्जन वाला ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, फॉर्मूला है, कोई भी टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस, ठीक है, इसको लिख दो। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल वन कि हाउ कन्वर्जन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल टू है, तो मतलब केस टू बेसिकली, केल्विन एंड सेंटीग्रेड का आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से यूज कर रहे, तो अलग कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है।
हो गया गाइस? यस सर। नो सर। My voice is lagging. मेरा voice lag हो रहा है क्या? No sir. No sir. हाँ, अरे एक मिनट, किसी ने आपे पूछा कि भाई केल्विन स्केल में कितना होगा? मुझे तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 273.15 केल्विन, राइट? मतलब 0.15 बाद में अपन निगलेक्ट कर देते, 273 लिखते हैं, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 373.15 केल्विन, सिंपल सी बात है। वो 373 मतलब 0.15 मतलब वो निकाल देते हैं अपन बाद में, ठीक है? न्यूमेरिकल्स में अपने लिए। और एक गाइस, एक और चीज होता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आपको पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है जहां पे तीनों तीन स्टेट एक ही, तीनों तीन फेजेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ऐसा एक पॉइंट होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका टेम्परेचर कितना होता है, किसी को पता है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट टेम्परेचर बताओ यार, एग्जैक्ट टेम्परेचर बताओ मुझे, एग्जैक्ट टेम्परेचर बताओ कितना होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? इट इज यस 273.15 नहीं 16 केल्विन, 16 गाइस, 273.16, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ग्रीन में लिख देता हूँ, ये भी एक इन जनरल आप भी लिख दो और एक बॉक्स करके बनाओ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है? ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ उसका टेम्परेचर मैं लिखता हूँ केल्विन में लिख देता हूँ, ठीक है? केल्विन में लिख देता हूं, इट इज 273.16 केल्विन, ध्यान में रखना 273.16 केल्विन, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है? सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? नहीं, ट्रिपल पॉइंट मतलब एक थ्योरेटिकल चीज है, ट्रिपल पॉइंट वो होता है कि जिसमें जैसे आइस वाटर एंड वेपर, मतलब सारे तीनों की जो स्टेट्स होते हैं ना, फेज लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज एंड गैस फेज, वाटर के लिए इक्विलिब्रियम में रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। Done, sir. Done, sir. Okay. Yes, sir. Done. ठीक है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है गाइस, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अपन एक्सपांशन वाला बात कर लेते हैं, ठीक है? एक्सपांशन वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की बात करता हूं मैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ थर्मामीटर भी बहुत ईजी है, ठीक है? उसके तीन चार फॉर्मूले जो आपको रटने नहीं है, समझने हैं, और सेम टाइप से मतलब इसी स्केल को यूज करके अपन बनाएंगे, इसी स्केल को यूज करके हम लोग बनाएंगे, टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको ही लेके हम लोग उसको बनाने वाले गाइस, ठीक है? वो देखेंगे कैसे करना है। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक जो थर्मल एक्सपांशन करके है, थर्मल एक्सपांशन आज का लेक्चर में एकदम मैं थ्योरी वाला लेने वाला हूँ, आज कोई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह का लेक्चर में नहीं पढ़ा, मतलब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि विद्यानिधि की एग्जाम भी चालू है, ठीक है? आराम आराम से करो गाइस। शुभम एक मिनट, क्या लिखा है तुमने?
ओके टेस्ट में, हाँ टेस्ट में स्पेसिफिकली लेडेंट हिट नहीं दिया था क्योंकि वो वाटर एंड आइस का था, ठीक है, तो वो आपको वैसे भी आपके बुक से देखना था, तो देखा होगा आपने आपके बुक से. यस सर. ठीक है, आपके बुक से जो नॉर्मली लिखा हुआ है, जो अपने कोई भी एचक्यू में कोई भी रेफरेंस बुक बाजू में लेके आपको बैठना था क्योंकि वहां पे दिया नहीं था, ठीक है, जो एक्चुअली गलती है वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा लेकिन जो क्वेश्चन टाइप किए थे उसमें दिया नहीं था. ठीक है सर. और एक जे टर्म भी था. यस क्वेश्चन का क्या था मतलब, आई गेस 10th या 11th क्वेश्चन था वो. हाँ बताता हूँ, चलो अभी इधर पहले करते मैकेनिकल इकोनॉमी राइट राइट में एक छोटा सा उसके ऊपर बोलूंगा मैं. चलो पहले मुझे एक बात बताओ, थर्मल एक्सपेंशन में बताता हूँ उसको, ठीक है, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद बताऊंगा कि वो जे टर्म क्या होता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, क्या होता है बताऊंगा. चलो देखो यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन एंड लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन के अंदर ही होता है लीनियर एक्सपांशन. तो थर्मल एक्सपांशन के तीन टाइप के थर्मल एक्सपांशन होते हैं. थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या, कोई भी जैसे मैंने एक पेन लिया, इसको मैंने हीट किया तो क्या होगा, ये सपोज पेन वन डायमेंशन वाला है तो उस पेन की लेंथ बढ़ेगी तो एक्सपांड होगा. क्यों एक्सपांड होगा, उसके उसके जो रीजन होते हैं, जैसे मैं हीट देता हूं तो जो पहले तो मतलब कोई भी बॉडी का मैं टेम्परेचर मेजर करता हूँ, तब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना मतलब क्या, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, आपको सबको पता है राइट, इट इज अ इट मेजर्स एनर्जी बेसिकली. तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही मैंने हीट दिया वो जो वाइब्रेशन है उनका वो बढ़ेगा और उसकी वजह से एक्सपांड होगा. अब उसके वजह से एक्सपांड होगा तो कैसे एक्सपांड होगा, तो थर्मल एक्सपांशन में तीन एक्सपांशन हम लोग पढ़ेंगे, एक लीनियर एक्सपांशन, सेकंड सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपांशन. तो पहले हम लोग एक काम करते, पहले हम लोग पढ़ते लीनियर एक्सपांशन. ठीक है, तो लीनियर एक्सपांशन पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं गाइस कि लीनियर एक्सपांशन कैसा होता है. उसका फॉर्मूला देखो क्या है, सिंपल मैंने एक लेंथ दे दी, ठीक है, अब एक रॉड है, ऐसा पकड़ लो एक रॉड है, ये इस रॉड का लेंथ है एल. ठीक है, अब इस रॉड को मैंने हिट किया तो उसकी लेंथ बढ़ने वाली है. अब ऐसा पकड़ लेते इसकी जो लेंथ बढ़ेगी, इसकी जो लेंथ बढ़ेगी वो कुछ बढ़ेगी डेल्टा एल. ये कब बढ़ेगी, मैंने रेड में दिखाई क्योंकि ये जब मैंने हीट किया तो उसकी लेंथ बढ़ेगी. अब क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू, देखो जितनी लेंथ ज्यादा होगी ना उतना डेल्टा एल ज्यादा होगा. ठीक है, सो डेल्टा एल द चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, इवन जितना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब मैंने सपोज उसको उस रॉड को 10 डिग्री से 20 डिग्री किया, 10 डिग्री से 80 डिग्री किया, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा उसका उतना ज्यादा वो और बढ़ेगा. सिंपल सी बात है ना, बाय कॉमन सेंस. तो लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इवन प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. ठीक है, इन दोनों से और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लिखूंगा तो इन दोनों से मुझे पता चल गया तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू बोथ एल एंड डेल्टा टी. तो इसका मतलब डेल्टा एल, अब इसको जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा. ठीक है, अब गाइस प्रोपोर्शनलिटी एंड कांस्टेंट का इसका सिंबल अलग ही सेम ही है, मतलब ये अल्फा है लेकिन. ठीक है, अल्फा और एल डेल्टा टी ऐसा वाला हो गया, ये सिंबल और ये सिंबल अलग है. ठीक है, दिखने में सेम दिख रहा है अभी एट प्रेजेंट. एक काम करते हैं, अल्फा थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूं, मतलब आपको अभी के लिए समझ में आएगा, ऐसा लिखता हूं मैं. ठीक है, अल्फा एल डेल्टा टी. ठीक है, तो गाइस ये ध्यान में रखना. अब इस डेल्टा एल को मतलब सपोज एक इट प्रोपोर्शनल टू एल, तो अपन ऐसा पकड़ते फाइनल लेंथ बनी, इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो ये थी और ये इसको इनिशियल लेंथ बोल लेंगे अपन. ठीक है, सपोज ये इनिशियल लेंथ है तो एल फाइनल अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी हो गया. ये इधर इसको लेके जाओ तो मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल और ब्रैकेट लिखाएंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक फॉर्मूला बन गया वेयर दिस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. गाइस इस अल्फा को हम लोग बोलेंगे, इस अल्फा को, ये जो अल्फा है उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ लीनियर एक्सपांशन एक्सपांशन. ठीक है, ये अपन आपको अमन सर ने भी पढ़ाया हुआ है गाइस वैसे. ठीक है, लेकिन अपन आज क्वेश्चन थोड़े से अच्छे करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से एक दो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उन्होंने पढ़ाया क्यों, क्योंकि अभी मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो वापस आपको अच्छा जाएगा और आज वैसे भी आपका टेस्ट चालू हुआ है तो आज थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे. अगला हफ्ता अपना हिडन थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा, उसको बिल्कुल मिस मत करो नेक्स्ट वीक. ठीक है, नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स. सिंपल सी बात है, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, इस रॉड को मैंने हिट किया उसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी जो लेंथ बढ़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू,
बोथ लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, जितना ज्यादा इसको हीट करूंगा उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी ऑलरेडी उतनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी। तो डेल्टा एल मतलब ये डेल्टा एल कब होगा, जब मैं हीट करूंगा, जब मैं हीट दूंगा उसको, सिंपल सी बात है, मतलब मैं उसको हीट किया रॉड को उसका लेंथ बढ़ने वाला है। तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू बोथ एल एंड डेल्टा टी, और इस अल्फा को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन। तो मैंने सिंपल सी बात बोला थर्मल एक्सपांशन का पार्ट है, बॉडी थर्मल एक्सपांशन कब होता है बॉडी में, जब हम उस बॉडी को हीट करते हैं, सिंपल सी बात है, तब चीजें एक्सपांड होती है, तो उसका ही हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको पहले लिख दो, इसको गाइस इसको लिख दो पहले फटाफट, वेयर दिस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। और ध्यान में रखना ये इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ की इतनी फाइनल लेंथ बन गई, इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ बन गई। तो ये वाला फॉर्मूला भी काम में आता है और ये वाला फॉर्मूला भी काम में आता है, जो दोनों स्टार मार्क में कर रहा हूं, ये दोनों चेंज इन लेंथ किसी ने बोला है तो डायरेक्टली अल्फा एल डेल्टा की यूज करेंगे, किसी ने एक्चुअल लेंथ बोला है इनिशियल लेंथ दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, सेम ही चीज है, मतलब उधर से तो डिराइव हुआ है, ठीक है। लिख के हो गया, आगे बढ़े। यस सर। सॉरी सर, के अभी केमिस्ट्री में मत जाओ, केमिस्ट्री के अंदर मत जाओ कि एटम्स में कुछ चेंजेस आता है क्या वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है गाइस, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि मैं हीट दूंगा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा, ठीक है, थर्मोडायनामिक इमिशन बोलते हैं, कुछ चीजें होती है। अभी के लिए क्या है ना, डायरेक्टली ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने हीट दिया अंदर मेटल के अंदर, एटम्स के अंदर मत घुसो, केमिस्ट्री में मत घुसो, फिजिक्स में, फिजिक्स तक रहो, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में लीनियर एक्सपांशन का क्या फायदा, एक्चुअली कोई वैसे, हाँ मतलब उसके ऊपर, मतलब वैसे देखो कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अब लीनियर एक्सपांशन एक प्रॉपर्टी जो होता है उसको अपन रोक नहीं सकते, तो उसको यूज करके अपन कुछ इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। मतलब जैसे मैंने एक छोटा सा लेंस लिया, यश देखो यही सब आप लोग इंजीनियरिंग में जाने के बाद करेंगे, जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तब करोगे। मैंने एक ऐसा कुछ चीज लिया कि जो हीट देने से फट करके फैलता है, मतलब बढ़ता है उसका लेंथ, और मैंने यहाँ पे स्विच लगाया, सेंसर लगाया, तो क्या होगा, एक मैं टेम्परेचर सेंसर भी बना सकता हूँ ना उससे, इससे टेम्परेचर सेंसर भी बना सकता हूँ मैं, तो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया कर जाएगा, ठीक है, उसका बटन दब जाएगा, सेंसर बंद हो जाएगा, हीट अलार्म लगा सकते, तो ये आपके, वो तो आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती है अब उसको यूज करके तुम अपना प्रोडक्ट बनाओ, उसको ही बोलते हैं इंजीनियरिंग, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जो हम लोग कहाँ पे करेंगे, इंजीनियरिंग में जाने के बाद, अभी नहीं, अभी के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो, ठीक है। यस सर। यस यस शुभम, बराबर शुभम सही बोल रहे हैं तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब अपन देखेंगे सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन का मतलब होता है एरिया, एरिया बढ़ेगा, यहाँ पे एरिया बढ़ेगा। पहले एकदम सिंपल सा बेसिक बढ़ाऊंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। अब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ये मेरा एक, ये इसका, इसका ये ए है और इसका बी है, ठीक है। अब क्या है ये एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी, सिंपल सी बात है, ए इंटू बी एरिया होगा। अब मुझे बताओ, मैंने इसको हीट दिया, अब टू डायमेंशन की बात करें अपन, अभी टू डी जगह, टू डी देख रहे हैं अपन, ठीक है, पहले था 1D, मतलब एकदम लेंथ थी। अब इसको मैंने हीट किया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी कुछ अपनी लेंथ बढ़ेगी डेल्टा ए, इधर भी कुछ ये चीज बढ़ेगा डेल्टा बी, बराबर ना। तो अब ये जो चीज है वो बढ़ के कुछ ऐसे हो जाएगी, नई वाली चीज कुछ ऐसे बनेगी, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसमें आप देखोगे तो डेल्टा ए को क्या लिखूंगा मैं, किसी को नया नया लेंथ, नया मतलब लेंथ लिखनी है तो नई लेंथ हो जाएगी मेरी ए डैश इज इक्वल टू क्या, ए वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता गाइस, मैं यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी डैश है, बी डैश है वो क्या हो जाएगा, जो नई लेंथ उसकी हो जाएगी, देखो ये लेंथ को अपन बी डैश बोलते हैं, तो क्या नया लेंथ बना बी डैश, नया लेंथ बना यहाँ पे ए डैश, पहले था ये, तो अपने फॉर्मूला लगा दो और इस तरीके से कुछ लिखो, तो बी डैश अपना हो जाएगा बी इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ध्यान में रखना क्या होता है ना, सुनो सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सा है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अब वो पॉइंट ऐसा होता है कि आपका ये जो जो एक्सपांशन हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस सेम तरीके से हो रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो इसको मैं एक नाम दे दूंगा, ये चीज ध्यान में रखना, आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। सॉरी गाइस, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, देखो ना ये दोनों अल्फा, मैंने अल्फा ही लिया, ये अलग अलग होगा, यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू होगा तो क्या होगा, वो अनआइसोट्रोपिक, इधर भी अल्फा वन अलग है अल्फा टू अलग है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट, सिंपल सी बात है, कॉपर के लिए अल्फा अलग रहेगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग रहेगा, कोई वो और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग, अल्फा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, राइट। कुछ कुछ मटेरियल जल्दी एक्सपांड करता है, कुछ मटेरियल धीरे मतलब आराम आराम से एक्सपांड करता है, मतलब ज्यादा एक्सपांड नहीं करता, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपांड करता है, तो डिपेंड करता है, बदलता रहता है। तो पहले तो मुझे होता है ये आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक समझ में, तो इसमें आइसोट्रोपिक का केस है, इसमें अल्फा अल्फा सेम है, तो मुझे होता है एरियल एक्सपांशन, तो मुझे मैं देखूंगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, यहाँ पे आएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, एक मैं यहां पे लिख देता हूं, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, ए बायनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, व्हेन व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन, व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन, ध्यान में रखना, इधर एक चीज लिख देना, अल्फा जो होता है ना अल्फा, अल्फा यहाँ पे इट इज वेरी वेरी लेस देन वन जनरली, ठीक है, कोई भी लीनियर एक्सपांशन में बहुत छोटा होता है वन के कंपेयर में, मतलब 10^-3, 10^-5 इस रेंज में आपको मिलेगा, आप देख लोगे तो, ठीक है। ये तो आप देखोगे ना, कोई स्टील की चीज लेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टील बहुत बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अल्फा वैसे भी बहुत ही छोटा होता है, एक्सपांड होता है लेकिन अल्फा बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। तो इस चीज को यूज किए हम लोग ने देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है बहुत ही काम की चीज है, बहुत सारे ना न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है, जस्ट नॉट यहाँ पे, मतलब सुपरफिशियल एक्सपांशन में तो ठीक है, डेरिवेशन में काम आएगा, लेकिन अपने जेई मेन नीट के जो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्टली ये काम में आएगा। तो अब मुझे तो यहाँ पे क्या होगा, वो अब ए डैश बी डैश को क्या बोलेंगे अपन, नया वाला एरिया, ठीक है, तो इसको हम लोग फाइनल एरिया बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल एरिया, और यहां पे हो जाएगा 1+2α∆t, ठीक है। अब इस 2α को यहां पे एक नया टर्म दे देंगे बीटा, अपने पास भाई अल्फा बीटा गामा है ना, तो बीटा बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है, और इस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन या एरियल एक्सपांशन, एरियल भी बोल सकते हैं, सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं। तो यहां पे मेरे को नया फॉर्मूला मिल गया, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1+β∆t, और जिसमें फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2α के बराबर आई, ठीक है, सिंपल लिख दो इसको भी फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या डाउट है बताओ, नहीं, आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल ना, नॉट नेसेसरी मेटल, कुछ भी, ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब अभी तो यहाँ पे जनरली मेटल्स की बात करेंगे हम लोग, तो हाँ बोलो, तो एरिया फाइनल में आपने 2α क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है, बीटा, अभी उसको बीटा, 2α को अपन टर्म यूज करेंगे बीटा, वन प्लस अल्फा टू अल्फा को बीटा बोल, बीटा लिख दो ना, एक नया वर्ड मैंने यूज कर दिया, बीटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो, ये टू अल्फा को मैं एक नया टर्म बोल दे तो भाई बीटा बोल दिया बस, तो यहाँ पे बीटा डेल्टा टी हो गया, तो यहाँ पे ये चीज हो गई, और वेयर बीटा इज इक्वल टू क्या, 2α, समझे सर, हाँ बोल सर, आई डिडंट गेट आइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक होगा तो प्लेट में क्या चेंज आएगा, मतलब देखो अनआइसोट्रोपिक होगा तो दिखाता हूं तुमको, पहले इतना लिखो, ये समझ में आया क्या, यस सर, डन, ठीक है।
गाइस अनआइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा, मुझे बताओ, ये आइसोट्रोपिक है ठीक है। अब इसने क्वेश्चन पूछी दिया है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो एक्चुअली क्वेश्चन के रूप, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है ठीक है। पहले मुझे बताओ, इतना पहले ये लिखो, ये हो गया होगा तो आगे बढ़ता हूँ मैं, हो गया सर। हीट प्रूफ मटेरियल्स का अल्फा जीरो होगा, किसका हीट प्रूफ मटेरियल्स का अल्फा जीरो होगा, इसका मटेरियल मैंने समझा नहीं क्या, हीट प्रूफ जो हीट एब्जॉर्ब नहीं करते ऐसे, नहीं है तो एक्सपेंशन अनइवन होगा, मतलब अनइवन मतलब कैसा, ये ए डैश थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अनइवन मतलब कैसा होता है, वो होगा ये एरिया ही ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ेगा इस तरफ कम बढ़ेगा, समझे ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा ठीक है। और तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे देख लो सब लोग भाई, यहाँ पे देख लो, अब एनआइसोट्रोपिक में ठीक है, एन और अन दोनों हो सकता है ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने एक ये ए दिया और ये बी दिया और मैंने इसको बढ़ाया ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सपोज ये कुछ डेल्टा ए बढ़ा, ऐसा पकड़ लेते हैं, ये डेल्टा ए बढ़ा और यहाँ पे ये डेल्टा बी बढ़ा ठीक है। अब ठीक है मैं ऐसा करके लिख देता हूं, लेकिन लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या कि जो ए का जो मेरा वो था, तो ए डैश जो था मेरा, ए डैश यहाँ पे क्या हो गया, ए वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी हो गया ठीक है, और B डैश हो गया B वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, A वन A डैश B डैश करूंगा तो ये हो गया ए बी वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी एंड वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। अब एक बात बताओ मुझे, जब मैं इसको इसको इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन चार टर्म्स आते हैं, मैं चारों चार टर्म दिखता हूँ, वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, एक ये टर्म आएगा और प्लस लास्ट में क्या आएगा, अल्फा वन अल्फा टू डेल्टा टी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। ए बी, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये वाला जो टर्म है ना, देखो अल्फा एक तो पहले बिल्कुल अपना अल्फा वन ही छोटा था, उसके साथ अल्फा वन अल्फा टू दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये तो बेसिकली निग्लिजिबल हो गया ना, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपन अप्रोक्सीमेट करके जीरो कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो कंपेयर टू दिस राइट। तो मेरा बेसिकली क्या टर्म आया गाइस, मेरा क्या आया यहाँ पे, मेरा जो एरिया आया, एरिया नया एरिया जो बना, मतलब या फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया वन प्लस, अब यहाँ पे क्या आया देखो, अल्फा वन प्लस अल्फा टू आया ना भाई, समझ में आ रहा है क्या? और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा अल्फा डेल्टा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो बीटा आया, बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग हो गया, अलग 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 डायमेंशन में, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू टू अल्फा, अल्फा वन अल्फा टू दोनों सेम होगा, इफ अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू, तो सिंपल सी बात है बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, टू अल्फा, जो अपन ने पहले डिस्कस की राइट। समझ में आना, यस सर ठीक है, तो इसको भी इस तरीके से लिखो, मतलब ये पूछा इसलिए आपने बताया, और आज अपने पास बहुत टाइम है इसलिए मैं मतलब आज एकदम चिल वाला माहौल है ठीक है, चलो लिखो फटाफट। आगे बढ़े सर, वन मिनट। लेक्चर इज टिल 8:30 और नॉट, वो अपन देखेंगे कैसे होता है उसके हिसाब से, अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं। वाइवा चालू होगा आपका अभी अप्रैल फर्स्ट वीक, अगले हफ्ते से वाइवा चालू होगा आपका, नेक्स्ट वीक से।
उसमें क्या नेक्स्ट वीक एंड, नेक्स्ट वीक एंड हाँ मैंने आपको कल टॉपिक जैसे दिए हुए हैं, ठीक है। आतिफ सर भी अपने टॉपिक देंगे, आतिफ सर को भी बोला मैंने कि टॉपिक दे दो। तो वाइवा में कैसे होगा ना, मैं हम लोग आपके कंसेप्ट चेक करेंगे और उसके हिसाब से फिर आपको आपका प्लान बना के देंगे। मतलब कैसे, पहले आपके साथ वाइवा होगी, मुझे पता चल जाएगा कि आपका क्या कहाँ पे क्या मिसिंग है, ठीक है। इवन फॉर नीट वही फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ, मतलब सब हर एक चीज इन जनरल कंसेप्ट, बेसिकली इन जनरल कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से आपने वो किया हुआ है, प्रिपरेशन किया हुआ है, ठीक है? किस तरीके से प्रिपरेशन किया हुआ है उसके ऊपर अपन डिस्कशन होगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं गाइस, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कोई थ्योरी है ही नहीं यहाँ पे। कंसेप्ट चेक करेंगे, आपको न्यूमेरिकल भी दूंगा ऑन द स्पॉट कि चलो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, दिखाओ कैसे करेंगे। पेन पेपर लेके बैठेंगे, 15 टू 20 मिनट्स मेरे साथ होगा फिजिक्स में, 15 टू 20 मिनट्स सर के साथ होगा, आतिफ सर के साथ होगा, ऐसा करके आपका वाइवा होगा सेट। आप प्रिपेयर करो, सबसे फर्स्ट स्टार्ट होगा विले पार्ले, उसके बाद होगा विले पार्ले अंधेरी और गोरेगांव, और उसके बाद होगा नासिक औरंगाबाद में। सर नासिक विले पार्ले अंधेरी, मैं बोरीवली बोलता हूँ तो बोरीवली अंधेरी के अंदर ही जमा होता है, ध्यान में रखो। हाँ बोलो, नासिक में आते आते अप्रैल एंड हो जाएगा। हाँ नहीं, क्योंकि नासिक हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े सब केसेस राइज हो रहे हैं ना ज्यादा, बहुत सारे इधर भी बहुत सारे जगह पे राइज हो रहे हैं, सब जगह पे हो रहे हैं। सोचो ना, हमको भी होके गया, हम लोगों ने आपको बताया नहीं था ज्यादा, लेकिन वो पूरा 15 दिन जो मेरे अंदर में दो लेक्चर मेरे होते थे, तो उसमें दो लेक्चर में तो मेरे पहले तो मैंने एक लेक्चर लिया तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोविड है। फिर सेकेंड इसमें टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आया उसके बाद फिर अभी निगेटिव आ गया 3 दिन पहले। और पता है किस किस को हुआ था? सबको, मुझे हुआ था, आतिफ सर को भी हुआ था, क्योंकि हम लोग साथ में ही थे इतने दिन से घर में, तो 14 डेज हमारा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ। कुछ ज्यादा है नहीं, ज्यादा हवा मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता। 2-3 दिन की आपको एक थकान होती है, 2-3 दिन आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा डल फील होता है, ठीक है। डल फील मतलब आप एनर्जी लेस रहते हो, तो 3 से 4 दिन हमारे वो बहुत ही एनर्जी लेते। उसमें मेरा एक लेक्चर हुआ था, तो उस लेक्चर के बाद तो मेरी हालत खराब हो गई थी। वो बेसिकली मैंने गलती क्या किया, एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम था उसमें, 24-23 वगैरह था, और लेक्चर ले रहा था मैं। चलो गाइस, अब यहां पे देखो तीसरा वाला चीज है वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब क्या, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, आपको पता है ए बी सी तीनों तीन जगह पे बढ़ेगा, मतलब राइट, तीनों तीन जगह पे राइट। मैंने मतलब चलो ठीक है, एक बार बना देता हूँ ठीक है। ये एक्चुअली इस तरीके से होगा, ये अपना ऐसा क्यूब है, ऐसे पकड़ लो। अब मैं क्यूब कर रहा हूँ, कोई भी शेप का हो सकता है, वो इरेगुलर शेप का कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब समझाने के लिए आपको ऐसा होता है ए बी एंड सी, अब बनेगा ए डैश बी डैश सी डैश राइट, तो नया वाला हो जाएगा ए डैश, तो नया वाला ए डैश हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए इंटू वन प्लस। अब यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, ठीक है गाइस, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं अपन, पहले ना इन जनरल केस लिख देते हैं, ठीक है, आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक, ठीक है। अब मेरे बताओ, 1+α1 δt हुआ यहाँ पे, बीटा बी डैश कितना हो जाएगा बी इंटू वन प्लस, ठीक है, α2 δt, ठीक है, सी डैश इक्वल टू सी इंटू वन प्लस α3 δt। मुझे बताओ α1 = α2 = α3, ये किसके लिए होता है, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ ए डैश बी डैश एंड सी डैश अपन करेंगे, तो ए बी सी एक्चुअल में देखा जाए तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, 1+α1 δt + 1+α2 δt वगैरह सब कुछ, लेकिन अपन ध्यान में रखना, मैं अभी के लिए तो आइसोट्रोपिक के लिए लिखता हूं, मैं आइसोट्रोपिक के लिए, ठीक है, आइसोट्रोपिक के लिए α1 = α2 = α3, आप गेस भी कर सकते हो बाद में रिजल्ट, ठीक है, और इक्वल टू इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1+α δt का क्यूब, और यहाँ पे क्यूब अंदर जाएगा, अपने को पता है अपना बायनोमियल एक्सपांशन का वो चीज, तो यहाँ पे पता है वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल 1+3α δt,
अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे थ्री अल्फा डेल्टा टी हो गया क्योंकि थ्री अंदर आ गया ना, याद है ना तुमको, वन प्लस एन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, वन प्लस एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। तो थ्री अल्फा को अपन क्या लिखेंगे, नया टर्म डाल देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिखते हैं गामा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गामा, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, सुनो यहाँ पे, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे बोला नहीं आपको, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। तो यहां पे मेरा फॉर्मूला आ चुका है, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं ऐसे ब्रैकेट करके, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम वन प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा, ठीक है, गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा। या फिर अब मुझे तो आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अलग होगा, तो गामा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, ठीक है, और नॉर्मल मटेरियल। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, अल्फा वन अल्फा टू को अपन ने लिख दिया तो कभी कभी ये भी हो जाता है सुपरफिशियल एक्सपांशन एक इसका, और अल्फा थ्री ऐसा भी तो हो सकता है, गामा अलग अलग चीजें लिख सकते हैं अपन, राइट गाइस। एनिसोट्रोपिक के लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख दो, सर। हाँ बोलो। आप वो नाइट लेक्चर रखने वाले थे ना? हाँ सर, वाइवा के पहले रख देना बस। नहीं नहीं, वाइवा के पहले नहीं, वो बाद में होगा, मई में होगा, मई जून में, जब आपकी एग्जाम्स वगैरह सब नहीं होगी। पहले आप आपके बैकलॉग में, एक बैकलॉग का भी वीडियो डालने वाला ना, मैंने आपको बोला कि कैसे वो वीडियो आपका एक दो दिन में आ जाएगा आपको यूट्यूब पे, मैं लिंक भेज दूंगा, आप वो सबको देखना है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। अच्छा, अलग 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 फंडे वाले, अपने अभी फंडे अपने लेक्चर में नहीं दूंगा, फंडे वीडियोस बनाऊंगा और वीडियो डालते रहूंगा यूट्यूब के, वो आप यूट्यूब पे देखना फंडे, ठीक है। कुछ फंडे यहाँ पे दूंगा, टेंशन मत लो, इन कुछ फंडे जो होते वो यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे देख के उसको फैलाओ। हाँ, कैमरा पे जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कैमरा वाला, वो वाला कैमरा पे जहाँ पे अपनी शूट हो रही है, देखो यहाँ पे कैमरा वाला शूट दिखा देता हूँ। देखो ये कैमरा पे, पीछे कैमरा है ना, शूट हो रहा है, दिख रहा है ना? सर, तो वो वाला जो है वो शूट अपन बाद में डालेंगे, वो तो उसका एडिटिंग वगैरह करके उसको, मतलब मेरे वो चैनल पे ही जाएगा लेक्चर सीरीज में। तो आपके जो पुराने थे ना जेवाईसी के वीडियोस एनिमेटेड फुल, हाँ वो नहीं मिल रहे सर, अब दिख रहे हैं जेवाईसी के, तो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो थे बहुत पहले वाले। यस सर, वही वो एक्चुअली ना, मुझे लगता है कि मुझे वो करना पड़ेगा उसको, क्या उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से, अभी जो रियल मार्केटिंग वाले को दिया है हमने, वो प्लेलिस्ट बनाएगा प्रॉपर। okay, सर, और वो मैं, और थोड़ा सा आप लोग भी मुझे थोड़ा सा नाम चेंज करना है, फिजिक्स शो नहीं रखना है, कुछ अलग नाम रखना है, तो अभी फिजिक्स मास्टर क्लास, ठीक है, ये चैनल सही रहेगा, फिजिक्स मास्टर क्लास बैगर, क्योंकि उसमें फिजिक्स की वीडियो ज्यादा होगा, मैं केमिस्ट्री में ऐसा डालूंगा नहीं, वो अपने मास्टर क्लास चैनल पे होंगे, तो फिजिक्स मास्टर क्लास बैगर सर ऐसा डालू या फिजिक्स मास्टर क्लास डालू, वो आप मुझे भेज दो बाद में। तो एक चार पांच नाम मेरे पर्सनल चैट पे, अपने व्हाट्सएप पे भेज दो, अभी इधर मत भेजो, व्हाट्सएप पे भेज दो। सर, आइसोट्रोपिक मटेरियल के एग्जांपल्स क्या होंगे? आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब अपन जो भी लेंगे ना, मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस में वो सब आइसोट्रोपिक ही लेने वाले, एल्यूमिनियम कॉपर बिपर जो भी एग्जांपल लेंगे। सर मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर एक ही मेटल से बना होगा? हाँ, एक ही मेटल मतलब मेटल तो एक ही होगा वैसे भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसका इधर का और उधर का अलग अलग हो जाता है, मतलब
एक दो कंपोनेंट्स अलग मेटल के बन गए सर। सर एक्चुअली मुझे भी वही पूछना था कि एनिसोट्रोपिक मतलब मोर देन टू मेटल से बन सकता है। देखो वैसा नहीं, अभी वो एक्चुअली उसका कहना है वो केमिस्ट्री वाला चीज जाना पड़ेगा, तो आप एक्चुअली ना एक बार शिवम सर को शिव सर को पूछ लो कि एक्चुअली एनिसोट्रोपिक का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, केमिस्ट्री उसकी क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए अपने के लिए क्या है कि ऐसा दिया रहेगा अनआइसोट्रोपिक मटेरियल है, अल्फा अल्फा टू उसके दिए रहेंगे और सॉल्व करो खत्म बात। ठीक है, फिजिक्स वाले लोग क्या होते हैं एप्लीकेशन बेस होते हैं, केमिस्ट्री वाला लोग। हाँ सर आपने डेरिवेशन बता दी। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते अपन। ठीक है आगे बढ़े गाइस। यस सर। Yes, yes. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मुझे बहुत अभी दो तीन मैंने केसेस बताऊंगा गाइस, मैं दो तीन केसेस बताऊंगा। ये केसेस पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन केसेस को पहले अपन स्टडी करेंगे और उसके ऊपर के सिर्फ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये दो तीन चीजें मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, किस किस टाइप के प्रॉब्लम आने वाले, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू टैकल दोज प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला तो होता है गाइस, अब यहाँ पे देखो एरिया मैंने क्या क्या बोला, एकदम लीनियर एक्सपांशन, एरिया सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, और अब यहाँ पे डेंसिटी भी होती है भाई। डेंसिटी को भी अपन लिखते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो ये डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो डेंसिटी होता है सपोज अपना मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको अपन लीनियर, अपन जैसे सरफेस मास डेंसिटी का भी बात कर सकते हैं हम लोग, सपोज टू डायमेंशन बॉडी है तो अपन थ्री डायमेंशन बॉडी की बात करते हैं डायरेक्टली, टू डायमेंशन का आप डिराइव कर सकते हो। तो 3D बॉडी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अब डेंसिटी अपन करेंगे मास और जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम क्या अपन बोलेंगे, देखो फाइनल मैंने डेंसिटी करी, वॉल्यूम से जो होता है मास तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या गैमा, तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे देखो, एक काम करता हूं मैं पहले, फाइनल डेंसिटी इज ये फाइनल वॉल्यूम, इस तरीके से कर सकते अपन। तो फाइनल डेंसिटी क्या मिलेगी मुझे, मास डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस, ठीक है, गैमा डेल्टा टी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब मुझे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, व्हाट इज मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल डेंसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई मुझे, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गैमा डेल्टा टी टू द पावर क्या माइनस 1, समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे। अब yes, इस चीज को मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो फाइनल डेंसिटी की वैल्यू आएगी मेरे को इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गैमा डेल्टा टी। ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज आता है डेंसिटी का, डेंसिटी वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख दो डेंसिटी वेरिएशन। सिमिलरली बात है भाई, ये मैंने 3D के लिए लिखा है, ठीक है, तो सिग्मा के लिए क्या होगा डेंसिटी, ये क्या होता है सरफेस मास डेंसिटी, याद है ना भाई किया था अपन ने, ये सरफेस मास डेंसिटी होती है। ठीक है, तो सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल 1 माइनस बीटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत है क्या इसमें गाइस? ठीक है, और मुझे होता है लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी वो लैम्बडा होता है 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये लीनियर मास डेंसिटी के लिए होगा। ठीक है, बाकी सब फॉर्मूला सेम, सरफेस मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया होता है, ठीक है, और वहां पे मास अपॉन लेंथ होता है। सिमिलरली ये तीन के लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो डेंसिटी करके रीडिंग डाल दो, डेंसिटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। अपने दो और केसेस होते हैं, थोड़े से एडवांस केसेस लिखता हूं मैं, ठीक है, मतलब कुछ अच्छे केसेस जो अलग बन के आते हैं, मतलब अलग क्वेश्चन बन के भी तो आएगा। ठीक है, कभी कभी वो क्वेश्चन आपको दिखेगा अलग टाइप का, लेकिन वो क्वेश्चन वही होगा। अब वो लैम्बडा है, लैम्बडा, दिस लैम्बडा, ये सिंबल लैम्बडा वाला है ना,
लैम्ब्रा मतलब वो वेवलेंस वाला लैम्ब्रा नहीं, लैम्ब्रा सिंबल भी भाई एक ही सिंबल बहुत सारी जगह पे यूज होता है गाइस, जैसे ए एरिया भी होता है, ए एम्पलीट्यूड भी होता है, वैसे लैम्ब्रा लैम्ब्रा वेवलेंस वाला भी सिंबल यूज करते हैं, लैम्ब्रा को अपन लीनियर मास डेंसिटी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंबल एक एक जगह पे यूज होता है, जैसे कि मतलब एक सेम नाम के 10 लोग हो सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही चीज है वो चीज, वही अल्फा बीटा गामा वो रेज भी होती है, आपको पता है ना अल्फा बीटा गामा रेज, तो यार वो अभी सिंबल्स क्या है, वही वही सिंबल्स यूज करते जा रहे लोग, और हम भी वही करेंगे क्योंकि बुक्स में वही लिखे हुए हैं, हम मैं कुछ अलग सिंबल यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाएगा बुक में आप पढ़ोगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े sir. आगे बढ़े, चलो चलो डन हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ एडवांस केसेस, ठीक है। अब ये एडवांस केसेस का मतलब होता है कि ये क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसे कुछ कुछ चीजें आएगी। अब क्वेश्चंस में कैसे आ सकता है, ठीक है, सपोज देखो मैं एकदम मतलब मैं एक छोटा सा लेट्स से ऐसा पकड़ लेता हूं, मैं एक रिंग का एग्जांपल लेता हूं, चलो रिंग का एग्जांपल लेता हूं। अब एक रिंग है ऐसे, अब ये रिंग का सपोज रेडियस है R1, ये रिंग है। अब इस रिंग को मैंने सपोज एक्सपांड किया, एक्सपांड किया तो क्या होगा, रिंग एक्सपांड होके क्या होगी, उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा R2, ठीक है। तो गाइस यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, मैंने हीट किया है ये, मैंने इसको हीट किया, हीट देने के बाद, हीट करने के बाद ये एक्सपांड हुई, तो इनिशियल था फाइनल था। तो अब मुझे बताओ यहां पे गाइस जैसे रिंग के लिए मैं लिखा है ना, तो यहां पे R2 और R1 में क्या रहेगा गाइस, तो R2 फाइनल हो गया, R1 इनिशियल हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा t कर देंगे, समझ में है, ये चलेगा गाइस, चलेगा। इवन किसी ने बोला सर रिंग का एरिया है ना, तो इनिशियल एरिया कर लो भाई, इनिशियल एरिया कर लो, तो फाइनल एरिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू इनिशियल एरिया ऑफ द रिंग, 1 प्लस क्या हो जाएगा बीटा डेल्टा टी। ध्यान में रखना यहाँ पे बीटा की वैल्यू अपन क्या लेंगे, 2 अल्फा लेंगे, और यहाँ पे अपन ही आइसोट्रोपिक मटेरियल ही होगा, दिस इज आइसोट्रोपिक मटेरियल, ध्यान में रखना, जनरली आइसोट्रोपिक मटेरियल हम लोग यूज करने वाले, ठीक है गाइस। तो एरिया भी ऐसे हो सकता है, रिंग का ऐसे भी हो सकता है, तो ये चीज अपने को यूज करनी है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। डिस्क, मुझे तो डिस्क दिया, अब ये रिंग है, रिंग के जगह सपोर्ट डिस्क दिया, तो अभी भी वही होगा ना गाइस, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, रिंग एंड डिस्क के लिए सबके लिए ऐसे ही होगा। मुझे बताओ रिंग एंड डिस्क के, सपोज मैंने स्फीयर ले लिया यहाँ पे, स्फीयर तो स्फीयर कौन सा डायमेंशन हो गया, स्फीयर क्या हो गया, थ्री डायमेंशन हो गया। तो स्फीयर में भी एक ये R1 है, ठीक है, और मैंने सपोज उसको बड़ा किया, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया, और सपोज ये R2 हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये मेरा R2 हो गया हीट देने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, हीट दिया मैंने यहाँ पे, हीट दिया, इसको हीट दी दिया पूरा यहाँ पे, मतलब सब जगह पे, ठीक है। अब ये स्फीयर एक्सपांड हो गया, तो गाइस इतना ध्यान में रखना, ये स्फीयर सपोज एक्सपांड हो जाता है, तो इसको मैं वापस यही सब चीज इसके लिए भी वैलिड होगी, तो यहाँ पे भी R2 मेरा फाइनल रेडियस इक्वल टू इनिशियल रेडियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, यहाँ पे वैल्यू होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी तो लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस क्या, गामा डेल्टा, वेयर गामा इज इक्वल टू क्या, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, समझ में आ रहा है क्या, यस सर, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, अभी सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे एडवांस केस केस 1 लिख दिया, ठीक है, मैं और केसेस डिस्कस करूंगा, केस 1 में मैंने इस टाइप के एग्जांपल दिए, गाइस ये क्वेश्चन आने वाले इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ऐसा दिया गया कि इनिशियल स्फीयर इसका रेडियस का है, उसको हीट दिया बढ़ गया, उसका फाइनल रेडियस बन गया, तो बताओ कि कितना उसका वॉल्यूम बढ़ा या कितना उसका नया रेडियस बना, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो यस यस, आइसोट्रोपिक का ही केस बनेगा बिल्कुल। आगे बढ़े, जस्ट अ मिनट सर, भाई हीट निकालने से लेंथ समझ लेना, तो क्या होगा, डेल्टा टी निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगी ना लेंथ, समझा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा,
किसी का तो माइक चल रहा है क्या? वेदांत कहाँ है भाई, माइक बंद कर ले। ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो इसका सरफेस, ये स्फीयर का सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, वन प्लस बीटा डेल्टा टी कर लो सरफेस एरिया के लिए स्फीयर का। बिल्कुल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो यहाँ पे। अच्छा वो इसने पूछा है, इतने यहाँ पे अपन सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। ए फाइनल इज इक्वल टू क्या, ए इनिशियल वन प्लस क्या करेंगे बीटा डेल्टा टी, जिसको हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। समझ में आ रहा है क्या? और तुमको पता है ये सारे डेरिवेशन तुम कर सकते हो, अभी इतना तो हमारा मैथ आ चुका है। मुझे तो R2 is equal to R1, ये सपोज वैलिड है तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर करो ना यार भाई, इसका स्क्वायर कर लो तो यही तो आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर, ये दोनों साइड में स्क्वायर कर लो, ठीक है? तो डेरिवेशन फाइनली यही आएगा, समझे क्या? इसको क्यूब कर लो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, यही आएगा नीचे वाला डेरिवेशन, राइट? डन सर। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। यस सर यस सर। अब यहाँ पे देखो केस टू। अब केस टू में कभी कभी क्या होता है ना गाइस, केस टू में कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने मतलब अब कुछ किसी ने बोला सपोज एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, डिस्क एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। अब ना ये डिस्क के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट लो या रिंग के ऊपर, मैंने इवन रिंग भी दिया, सेमी सर्कुलर रिंग या कंप्लीट रिंग चलेगा गाइस, सेमी सर्कुलर रिंग लो या कंप्लीट रिंग लो। मैं अभी सेमी सर्कुलर दिखता हूँ क्योंकि मेरे दो डायग्राम एक जगह फिट हो जाएंगे, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ सेमी सर्कुलर, ये अभी रिंग हो गई है, ठीक है, कोई भी शेप का लो, कोई भी वो भी चलेगा, कोई भी आड़ा तेरा शेप का लो, नागिन शेप का लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई डिस्क, ये हो गई रिंग, एट प्रेजेंट सेमी सर्क्यूलर लो या पूरी की पूरी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये सेमी है तो सेमी लिख देता हूं मैं, सेमी डिस्क सेमी रिंग, ठीक है। अब होता क्या है ना, कोई भी पॉइंट लो, इन दोनों के अंदर कोई भी पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, जहां पे यहाँ पे पॉइंट नंबर, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट। अब इन दोनों का अंदर का जो इनिशियल, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया इसका इनिशियल डिस्टेंस। अब मैं जब इसको एक्सपांड करूंगा गाइस, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो आपको पता है ये रिंग, ये डिस्क तो पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाएगी, तो ए एन बी भी तो एक्सपांड होगा गाइस, ए एन बी भी तो एक्सपांड, मतलब ए एन बी का भी तो लेंथ बढ़ेगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर, तो ध्यान में रखना इसमें भी डायरेक्टली ये वैलिड है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तुम बोलोगे सर ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं अपने, तो अपने तो नॉर्मली एक लेंथ दिया उसको वो किया तो इसका लेंथ बढ़ेगा ये पढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ आया तो केसेस तो क्या करेंगे भाई, सेम चीज वैलिड है, सेम चीज वैलिड, सिर्फ क्वेश्चन के मेरा ना एडवांस केस में तो क्वेश्चन के लेवल थोड़े से दिखाने वाली चीज अलग होगी, फॉर्मूला सेम लगेगा, तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज। इवन कहीं कहीं पे क्या आता है पता है, कैविटी, कैविटी वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे मैंने सपोज दिया यहाँ पे डिस्क, ठीक है, अब गाइस ये डिस्क है और ये डिस्क के अंदर ये एक छोटी सी कैविटी है, कैविटी का मतलब समझ रहे हो ना, ये कैविटी है मतलब ये पूरी की पूरी डिस्क है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मास नहीं है। अब सिंपल गाइस, इसका सपोज कैविटी का रेडियस सपोज पहले आर वन होगा, ठीक है, आर वन रेडियस होगा, मैंने इसको हीट किया तो मुझे था डिस्क बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो कैविटी का भी एक्सपांशन होगा, तो अब यहाँ पे दिखेंगे, देखो गाइस यहाँ पे इसने बोला सर कैविटी का रेडियस कैसे बढ़ेगा, तो कैविटी फॉर कैविटी, ठीक है, दिस फॉर कैविटी, कैविटी का रेडियस फाइनल रेडियस आर टू हो गया इज इक्वल टू आर वन, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी वैलिड है। कोई बोला सर जो कैविटी है उसका एरिया भी तो बढ़ेगा, ठीक है, तो फाइनल एरिया ऑफ कैविटी, दिस इज फॉर कैविटी, फाइनल एरिया ऑफ कैविटी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल एरिया ऑफ कैविटी वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ये भी होगा वेयर बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे होता इसकी जगह इधर स्फीयर ले जाते, क्या करते यहाँ पे स्फीयर होता तो क्या करते, स्फीयर और कैविटी दिया होता तो कैविटी का रेडियस, कैविटी का सरफेस एरिया, कैविटी का वॉल्यूम सब बढ़ेगा इसी फॉर्मूला से, समझे? तो ये चीज इस तरीके से करते हैं
ठीक है। तो ये भी बेसिकली केसेस है जो अपने को काम में आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है गाइस, इसको भी लिख दो, ये भी अलग अलग केसेस है। इसको भी लिख दो। चलो एक लास्ट वाला केस है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे अपन। इसकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक ब्रेक नहीं भाई, अभी तक रुको ना भाई, 10 मिनट अभी केसेस तो खत्म करने दो, क्वेश्चन सॉल्विंग के केसेस तो खत्म करने दो, क्वेश्चन सॉल्विंग के केसेस खत्म करने दो, उसके बाद करो। चलो हो गया, लिख के हो गया गाइस, लिख के हो गया, वाला हो गया। ठीक है, और गाइस ये सब क्वेश्चन जो आते हैं ना, एकदम चिंदी वाले, सब इजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने पढ़ाया वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है अक्षय, अभी मत कर, क्योंकि मेरा ये ब्लूटूथ रहता है इसके साथ, तो मुझे सारा सेटिंग बदलना पड़ता है, इसके बाद ही करना है, फिर वो बंद करना, फिर ब्लूटूथ को बंद करना, फिर चालू करना, फिर वापस करना, सब कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी। ठीक है, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ किस कुछ ऐसे पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो गाइस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, आगे बढ़े गाइस। यस सर। ठीक है, अब क्या होता है पता है गाइस, एक चीज होती है गाइस, एक चीज होती है पेंडुलम। ठीक है, तो ये पेंडुलम के क्वेश्चन भी ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक पेंडुलम के क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, फेमस टाइप के क्वेश्चन। और एक होते हैं वो ग्लास में पानी रखा हुआ है, अभी हीट देंगे तो ग्लास भी बढ़ेगा, पानी का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कितना पानी ओवरफ्लो होगा, उस टाइप के क्वेश्चन। तो दो टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना जनरली बहुत फेमस होते हैं इसमें। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन फेमस होते हैं। पेंडुलम वाला क्वेश्चन पहले अपन कर लेते हैं। पेंडुलम में क्या होता है गाइस, देखो पेंडुलम में आपको पता है कि भाई ये बॉब है, इसका लेंथ एल है, ये अपना मस इधर उधर जाएगा, तो इसको टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ जब हीट देंगे अपन तो इसमें क्या चीज चेंज होने वाली है, क्या चीज बढ़ने वाली है, लेंथ। इसमें क्या चीज चेंज होने वाली है, लेंथ। ठीक है, रुको, सिटी बज रहा है, सिटी वहां पे आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने सपोज इसको टेम्परेचर, मैंने हीट दिया तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, राइट। लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा। मुझे बताओ सपोज हीट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो मुझे टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज, टाइम पीरियड होगा। अरे मैं रुका था क्योंकि सिटी बज रही थी, सिटी का आवाज आता है यहाँ पे, देखो अभी बजने दो, बहुत सारा सिटी बजा रहा है भाई ये कुक। ठीक है, हाँ यहाँ पे अब सब लोग सुनो, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो मुझे तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो क्लॉक क्या हो जाएगा, जो अपना जो क्लॉक होता है वो स्लो हो गया, फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना, टाइम पीरियड बढ़ेगा, आराम से स्लो हो जाएगा। सपोज टेम्परेचर कम किया तो लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो टाइम तो बस तो फास्ट हो जाएगा, तो क्लॉक फास्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं कि कितना गेन होता है क्लॉक, मतलब कितना गेन होता है 24 आवर्स में। ऐसा बोला है कि सपोज मैंने कुछ टाइम एक पहले मैंने एक टेम्परेचर पे मेजर किया और फिर टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्लॉक कितना फास्ट हो गया पूरे दिन में या पूरे 3 दिन में या 5 दिन में, ऐसा अलग 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 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे गाइस कैसे करना है, सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड इतना होता है। अब मैं लेता हूँ इनिशियल लेंथ एल नॉट, ये इनिशियल लेंथ है, ठीक है, जहां पे टाइम पीरियड होगा टी नॉट, ये इनिशियल है, ये इनिशियल कंडीशन है, दिस इज माय इनिशियल कंडीशन,
कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है वो, मतलब वो टेम्परेचर अपन कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर मान लेंगे जैसे 20 डिग्री या रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे मुझे क्लॉक को सेट किया मैंने, वो मेरा एक्चुअल टी नॉट मान लिया मैंने, और मैंने बोला चलो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री अभी है। अब सपोज ऐसा बोलो मुंबई का टेम्परेचर या महाराष्ट्र का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री, तो क्या हो गया 40 डिग्री हो गया, तो उस अलग टेम्परेचर पे पूरी लेंथ बढ़ गई, तो क्लॉक जो होगा अपना क्या हो जाएगा, क्लॉक क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्लॉक स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना स्लो होगा, मतलब वो पूरे दिन में कितना एरर दिखाने वाला है, ये सब कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे ये टाइम पीरियड है 2π√L/g। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, तो t=2π√L/g है, अब लेंथ बढ़ने वाली है, तो मैं एक काम करूंगा जो नया फाइनल टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फाइनल सर टेम्परेचर क्या बोलोगे, फाइनल टाइम हो गया लेट्स से 2π, फाइनल लेंथ डिवाइड बाई जी, लेंथ बढ़ने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो फाइनल मेरा हो गया 2π। अब रूट ऑफ एल बाई जी को क्या लिखेंगे, एल फाइनल को क्या लिखेंगे अपन भाई, एल फाइनल को यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल नॉट 1 + α/Δt लिखेंगे ना गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एल नॉट 1 + α/Δt हो गया यहाँ पे डिवाइड बाई जी। देखो ना अपना वो बायोनॉमिक एक्सपांशन बहुत काम में आने वाला है यहाँ पे, देखो तो फाइनल टेम्परेचर फाइनल टाइम हो गया यहाँ पे 2π, इसको अंडर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी ऐसा क्या ऐसा लिख दो, और यहाँ पे लिखो 1 + α/Δt का क्या रेस्ट टू हाफ, समझ में आ रहा है क्या ये चीज मैंने क्या लिखा है, ये क्या था, ये इनिशियल टाइम पीरियड टी नॉट था, ये टी नॉट था राइट। अब मैंने एकदम सिंपल सी बात बताई थी 1 + x^n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है 1 + nx व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, और वैसे भी अल्फा विल्फा बहुत छोटा ही होता है, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे 1 + x ये था x^n भाई, ये x हो गया और ये n हो गया अपने फॉर्मूला के हिसाब से, तो 1 + nx हो गया यहाँ पे राइट, जो सेम चीज मैंने वहां पे की थी, और ये टी नॉट हो गया, इस चीज को अपन क्या लिखेंगे टी नॉट लिखेंगे। तो मेरा जो फाइनल टेम्परेचर हुआ, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ टी नॉट हुआ, और यहाँ पे आया 1 + α/Δt इंटू हाफ, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं क्या करूंगा गाइज, गाइज ये जो चीज होता है ना, नहीं ये नॉर्मल केस है पेंडुलम करके, एडवांस केसेस के अंदर नहीं है, नॉर्मल पेंडुलम की केस है, ठीक है ये क्वेश्चन ये सब जगह पे होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे tf इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिख देता हूँ, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम इसको वो डाल देंगे तो हाफ इंटू टी नॉट इंटू α/Δt हो गया, फिर अभी tf माइनस टी नॉट करूंगा मैं गाइस, यहाँ पे देखो चलो पहले एक काम करूं मैं, मतलब इधर भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा मुझे और एक पेज लगेगा, ठीक है फिर आप लोग साथ में लिख देना यहाँ पे, ये पहले मैं इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि एक ही पेज में कभी भी खत्म होना सही होता है। फिर मुझे बताओ यहाँ पे मैं लिखूंगा इस चीज को तो क्या आएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब लोग देखो, फाइनल tf माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट क्या आया, इसका वैल्यू कितना आया, हाफ α/Δt। देखो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, ठीक है दिस इज गेन ऑफ टाइम, कितना गेन होगा कितना टाइम लूज होगा इसी एक्सप्रेशन से हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है जो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम डिवाइड बाय इनिशियल टाइम, मतलब एक गेन इन टाइम और लूज टाइम पर यूनिट टाइम, ऐसा करके एक फॉर्मूला ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हाफ α/Δt, बहुत ही काम की चीज है हाफ α/Δt, पहले इसको लिखो, इसको यूज करके हम लोग गेन गेन इन टाइम एंड लूज इन टाइम निकाल सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स का प्रोसेस समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स प्रोसेस समझ में आ रही थी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है मैं
गाइस अपने को थर्मामीटर मतलब एक इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो थर्मामीटर जो बचा था ना थर्मामीटर करके मैंने अलग अलग बताया व्हाट इज थर्मामीटर तो थर्मामीटर का भी अभी तक मुझे बताना बाकी है आपको तीन थर्मामीटर होते हैं तीनों दिन थर्मामीटर कैसे यूज होते हैं वो बताऊंगा आपको एकदम फास्ट उसके फॉर्मुलेस क्या होता है कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर कभी कभी क्या होता है थर्मामीटर के ऊपर के क्वेश्चन बनते हैं आपको पता नहीं होती फिर आप छोड़ देते हो तो थर्मामीटर को भी लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं उसको निग्लेक्ट नहीं करना है ब्रेक के बाद थर्मामीटर करने वाला हो गाइज में ठीक है कुछ लोग क्या होता है ब्रेक के बाद लेक्चर को छोड़ देते बाद में देते चलो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे नहीं गाइज ठीक है वो रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग होती नहीं है अभी थर्मामीटर का भी सुन लो आप लोग ठीक है ब्रेक के बाद में उसको छोटा सा बताऊंगा पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद थर्मामीटर बताऊंगा ठीक है वो लोग करते नहीं है लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है गाइस ध्यान में रखना एचसी वर्मा में उसके ऊपर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर एचसी वर्मा पार्ट टू का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ठीक है उसके अंदर तो काफी सारी चीजें होती है लेकिन आप एक बार रीड कर सकते हो मैं अगले लेक्चर में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी को कैसे फॉलो करना है उसको बताऊंगा मैं एनसीईआरटी गाइस ठीक है एनसीईआरटी को क्योंकि अभी कुछ लोग एकदम अभी इस बार लेक्चर के स्टार्ट में नहीं बताया मैंने लेकिन अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के फंडे दूंगा आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करते रहना है ठीक है अभी मतलब पिछले वाले एनसीईआरटी भूल जाओ अभी से स्टार्ट करना है आपको एनसीईआरटी ठीक है मतलब एनसीईआरटी खरीद लेने का एनसीईआरटी का हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एटलीस्ट आप प्रॉपर फॉलो करते रहो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं शॉर्ट नोट्स ठीक है वो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने वो बताऊंगा मैं अगले इसमें एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कैसे वो मैकेनिक्स आप धीरे धीरे करो क्योंकि एक साथ आप इतना आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइमिंग नहीं रहेगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा अलग सेल्फ स्टडी का एक टाइम टेबल बना रहे हैं सेल्फ स्टडी मतलब क्या सेल्फ स्टडी हम लोग आपको देंगे असाइनमेंट के रूप में हम लोग आपको असाइनमेंट देने वाले हैं असाइनमेंट इज नथिंग बट सेल्फ स्टडी ठीक है तो मैं पूरा का पूरा एक प्लानर हम लोग आपको बना रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए ठीक है एंड इवन बायोलॉजी के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पहले आपको प्लानर मिल जाएगा उसको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना कौन से एचसीएल के क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे सबमिट करना है हर एक चीज आपको हम लोग आपके लिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी काफी टाइम हो चुका है ठीक है नहीं ये पर्सनलाइज नहीं है ये इन जनरल है पहले इन जनरल है जेई के लिए नीट अलग होगा नीट के लिए अलग होगा ठीक है तो जेई मतलब मैं जेई मेन बोलता हूँ मतलब सीईटी जेई मेन एंड सीईटी के लिए अलग होगा नीट के लिए अलग होगा अभी के लिए फिर जून जुलाई के बाद आपके अलग प्लानर मिलेगा वहां पर जून जुलाई के बाद अलग प्लानर मिलने वाला चलो इसका इसको लिख के हो गया क्या इसको लिख के हो गया क्या यस सर इसको छोटा सा मैं इसको मैं ये इसको खत्म कर देता हूँ ना जो मेरा टॉपिक के तो मेरे होता फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टी नॉट इज माय इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इज इक्वल टू कितना आया हाफ अल्फा चेंज इन टेम्परेचर आया ठीक है ध्यान में रखना ये टाइम है और ये टेम्परेचर है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना आप ठीक है समझ में आ रहा है क्या तो लोग बोलेंगे सर क्या है इधर भी टी उधर भी टी ये कंफ्यूजिंग वाला चीज है समझ में ठीक है वो डेल्टा टी अलग है वो इधर अलग है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं या इस केस में इस पर्टिकुलर केस में थीटा लिख देता हूँ आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा डेल्टा थीटा वे थीटा इज वॉट थीटा टेम्परेचर होता है ना थीटा को भी तो टेम्परेचर होता है थीटा राइट तो इस केस में अपन डेल्टा थीटा यूज करते हैं अब यहाँ पे किसी ने बोला गाइस किसी ने बोला कि लेट्स से इफ टेम्परेचर ठीक है अभी इसमें अपन केस वन लेते हैं गाइस केस वन लेते हैं ठीक है मैंने बोला टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मुझे बताओ क्या होने वाला है फाइनल फाइनल टाइम इज ग्रेटर देन इनिशियल टी नॉट बराबर कि नहीं ये टाइम है बराबर बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा तो मुझे बताओ जो क्लॉक है वो क्या हो जाएगा क्लॉक क्या हो जाएगा क्लॉक क्या हो जाएगा स्लो स्लो हो जाएगा क्लॉक स्लो हो जाएगा और बोला है कि लेट्स से इन 24 आवर्स क्लॉक कितना स्लो हुआ मतलब कितने सेकंड स्लो हुआ कितने सेकंड स्लो हुआ इन 24 आवर्स तो आपको क्या करना बताएं ठीक है ये जो दिया है ना यहाँ पे तो ये जो अपने को कैलकुलेट करना किया है तो क्या करूंगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय दिस इनटू 24 आवर्स करूंगा मैं 24 आवर्स तो उसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो ये हो गया मेरा कितना क्लॉक स्लो हुआ समझ में आ रहा है क्या क्लॉक स्लो इन आवर इसमें मिलेगा अपने क्लॉक स्लो इन आवर इसको आपको सेकंड में करना है तो 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर
24 into 20 मतलब 60 मिनट्स into 60 सेकंड, ठीक है, 3600 इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है गाइस? इसको भी लिख दो, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने क्वेश्चन कर ही दिया है, अभी तो डायरेक्टली इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है आपको। फिर एक क्लॉक स्लो है, क्लॉक फास्ट होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो केस टू आपको पता है केस टू इज क्लॉक फास्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस? चलो तो ये मेरी सारी केसेस तो हो चुकी हैं, अब एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं अभी, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कितना टाइम हुआ है, 7:35 हुआ है, 7:45, ठीक है, 7:45 को मिलेंगे गाइस, और ब्रेक के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चंस तो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करी थी, इसमें से अभी वैल्यूज डालनी होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा मैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े से अलग वाले करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे थर्मामीटर्स, ठीक है, ठीक है अमर, सब लोग 7:45 को मिलते हैं, 7:45 को मिलते हैं सर। हम्म, सर आप वो कैविटी वाला पेज दिखा सकते हो? ओके, पहले ये लिख दिया क्या? यस सर। कैविटी का तू ये कर ले, फट करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, इसमें डाउट था। हाँ, क्या डाउट था? हाँ सर, वो कैविटी वाली जो डिस्क है उसको हम अगर सेंटर में हीट करेंगे तो कैविटी के बॉर्डर वाला जो मटेरियल होगा वो एक्सपैंड होके कैविटी, नहीं नहीं नहीं, कैविटी को सिर्फ सेंटर में हीट नहीं, वो पूरे के पूरे मटेरियल को हीट करना पड़ता है, ऐसा नहीं सिर्फ कैविटी को हीट किया वगैरह तो वो सब फिर वो बराबर एक्सपेंशन नहीं जाएगा, ठीक है, पूरे के पूरे मटेरियल को हीट करना है, ठीक है, पूरे मटेरियल को हीट। हाँ मतलब यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हीट, यूनिफॉर्म हीट, यूनिफॉर्म नहीं हीट करेंगे तो बहुत गंदा वो है नहीं अपने सिलेबस। हाँ यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, मिलते हैं।
गाइस यस सर आवाज आ रहा ना यस सर सब हो ना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं एक मिनट जरा देखने तो मेरा कैमरा का सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब सही चल रहा है ठीक है जिंदगी एकदम सही है कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे देख लो कैमरा भी है ठीक है चलो फटाफट फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ और फिर थर्मामीटर देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ठीक है पहले ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 8 करो जो अपना अभी जज मैंने किया गाइस क्वेश्चन नंबर 8 करो सब लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 करो हो गया गाइस क्वेश्चन हो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रॉड कनेक्टेड टू अ स्मॉल हेवी बॉल डिजाइन टू कीप द करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स एट 40 डिग्री तो मुझे तो 40 डिग्री में क्या होगा सो बेसिकली सिंपल सी बात है टाइम एट 40 माइनस टाइम एट 20 डिवाइड बाय टाइम एट 20 ये जो था इसका वैल्यू कितना आया था अपने को अपने क्या लिखा था हाफ अल्फा डेल्टा टी ठीक है डेल्टा थीटा मैं थीटा लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि टी सेम होगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा वैसे चेंज इन टेम्परेचर ठीक है 24 आवर्स में तो हाफ इंटू अल्फा यहाँ पे यूज करो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 पॉइंट ठीक है मैं काम करता हूँ इधर नहीं डालता मैं ये इतना वैसा का वैसा रहेगा अब मुझे तो इन 24 आवर्स कितना एक क्लॉक जाएगा तो कितना क्लॉक जाएगा 24 आवर्स में तो ये इनटू क्या करने का इसको इनटू 24 आवर्स करने का सिंपल सी बात है इनटू 24 आवर्स करने का सिंपल तो इनटू यहाँ पे 24 आवर्स कर लो तो इतना बेसिकली टाइम ये स्लो जाएगा या फास्ट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा स्लो हो जाएगा ठीक है कितना टाइम स्लो है इसका आंसर ये ठीक है कितना है 10.4 आया इसका आंसर आएगा 10.4 ये आपको कैलकुलेट करके देखो 10.4 सेकंड्स
सेकंड्स में करेंगे तो इतना है, ठीक है? दिक्कत है कोई सर? अभी भाई 24 आवर्स दिए तो 24 आवर्स को सेकंड्स में करो ना, 24 इनटू 16 इनटू 60 और गाइस हमें रखना ये रेशियो है ना, तो यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है? इसका कोई यूनिट नहीं है, तो जो इसका यूनिट होगा वही उसका यूनिट होगा यहाँ पे। आवर्स का सेकंड्स में कर लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? एक मिनट, ठीक है। स्वयं तेरा क्वेश्चन है कि इनिशियल कौन सा टाइम, भाई टाइम पीरियड तूने लेंथ को मीटर में लिया तो ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का? टाइम का ऐसा यूनिट इज ऑलवेज सेकंड, ठीक है? इट इज ऑलवेज सेकंड, टाइम पीरियड हमेशा सेकंड्स में होता है। सोचो जरा, तो समझ में आता है? कभी कभी कुछ खुद के क्वेश्चंस खुद ही आप आंसर कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ये वाला करो क्वेश्चन नंबर सेवन जरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो जरा, सब लोग देखो। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख लो क्या बोला है यहाँ पे। एन आयरन रिंग मेजरिंग 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर टू बी श्रंक ऑन पुली विच इज 15.05 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है? तो ये बड़ा है। ऑल द वो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे मेजर किया, टू व्हाट मिनिमम टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड टू मेक द जॉब पॉसिबल। मतलब मुझे बताओ क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, एक ध्यान में रखना। ये वाला जो चीज है कुछ है डायमीटर 15 पॉइंट, ये है 15.05 सेंटीमीटर का, जिसमें इनिशियल जो अपनी रिंग दी है ये इनिशियल है जो 15 सेंटीमीटर की है। तो ये जो चीज दिया है ये 15 सेंटीमीटर का दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको इसके फिट करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। जब मैं इसको हिट करूंगा तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन अपने को पता ही है भाई डायमीटर है ना लेंथ, तो डायरेक्टली अपना क्या करेगा भाई, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? तो मैं लेंथ ही पकड़ लेता हूँ इसको, इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा ध्यान में रखना, ये मेरा हो गया फाइनल लेंथ विच इज 15.05 सेंटीमीटर, ठीक है? मेरी इनिशियल लेंथ कितनी हुई 15 सेंटीमीटर, तो हीट करने के बाद एक्सपांड हो जाएगी इतना होगा तो एग्जैक्टली वो फिट हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है? अल्फा विल्फा सब कुछ दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, जो भी लिखा हुआ है वो सब लिख दो यहाँ पे, 12 × 10⁻⁶। देखो क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़ के इसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल। और इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है मुझे, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है पूछा हुआ है, ठीक है? फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, एल फाइनल इज इक्वल टू एन इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? ये होगा डेल्टा टी, मुझे यहाँ पे निकालना है, सिंपल सी बात है, डेल्टा टी मुझे यहाँ पे निकालना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय एल इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी यहाँ पे लेके जाओ, मतलब इसको यहाँ पे लेके आओ, इनटू 1, ये चीज हो जाएगी खत्म बात, समझ में आया? डेल्टा टी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल अब डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेल्टा टी केल्विन में करो या डिग्री सेल्सियस में करो सेम ही होगा, क्योंकि डिफरेंस का कुछ तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है? तो यहां से आप करोगे डेल्टा टी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये सब कुछ डाल के देखो यहाँ पे
सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में डाल दो, कोई मीटर मीटर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी देखो, कितने आएंगे, ठीक है 278 डिग्री आ गई। तो 278 डिग्री सेल्सियस आ गई इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर मुझे निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस इनिशियल ये फाइनल टेम्परेचर मुझे निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी दिया हुआ इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 278 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आ गया, ठीक है 298, समझ में आया गाइस, दिक्कत है नहीं यहाँ, ठीक है। किसी ने बोला व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप, स्ट्रेन डेवलप, स्ट्रेन क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दिस कॉल्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन इज, देखो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, वैसे स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल यही तो है ना भाई, डेल्टा एल बाय एल ये पूछा है बेसिकली, तो अल्फा डेल्टा टी मेरा आंसर है इसका, तो आंसर इसका आंसर है अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेन डेवलप कितना हो गया, अल्फा डेल्टा टी मेरा आंसर है, समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा स्ट्रेन, अल्फा पता है डेल्टा टी भी पता है, निकालो अल्फा डेल्टा टी, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है yes, sir. इसमें ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के और एक क्वेश्चन बनते हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन में बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं, वो हीट मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ पे भी बताना है तो मैं एक मिनट, क्योंकि मैं पीपीटी शेयर करूंगा, तो इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, जहां पे क्या करेगा, क्या दिया रहेगा, ठीक है, जैसे एक वॉल है, ऐसे ये दो जगह वॉल है और एक ये रॉड है, और दिस इज, दिस रॉड इज फिक्स बिटवीन दिस टू वॉल, ठीक है, और रॉड का लेंथ एल है, अब मुझे बताओ ये इनिशियल लेंथ है, अब मुझे सपोज मैंने इसको हीट किया, इसको हीट किया तो क्या होने वाला है, ये लॉ, ये जो रॉड है उसका लेंथ चेंज होने की कोशिश होगी, डेल्टा एल करने की कोशिश होगी, मुझे बताओ, लेकिन ये बेसिकली कंस्टेंट, किसने कंस्टेंट किया इसको चेंज, ये लेंथ चेंज कौन नहीं करवा दे रहा है, ये वॉल करवानी चाहिए, तो इसके अंदर ना स्ट्रेस डेवलप होगा, वो स्ट्रेस डेवलप होगा बिल्कुल, तो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वो जो स्ट्रेस होता है, देखो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो किसी ने बोला वो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, किसी ने बोला वो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू किसने, या कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया वगैरह कर लेंगे, लेकिन मैं स्ट्रेस की वैल्यू कर लेता हूँ, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो अब मुझे तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा, अपने अपन देख ही लिया ना, डेल्टा एल इज इक्वल, डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू कितनी होती है, कितना दिखा अपन ने, अल्फा डेल्टा टी किया, बराबर है, डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी, अभी तो देखा अपन ने, इसको चाहिए तो लिख दो यार यहाँ पे, एल फाइनल माइनस एन इनिशियल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो व्हाट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय एल, दिस का स्ट्रेन, ये हो गया मेरा स्ट्रेन, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे किसी ने बोला स्ट्रेस कितना होगा, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी, समझ में आ रहा है, किसी ने बोला किसी ने नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे बस स्ट्रेस की वैल्यू होती है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे जो वॉल का वॉल पे फोर्स कितना डेवलप हुआ, तो वो भी आप निकाल सकते हो, बस इसको स्ट्रेस को नॉर्मल फोर्स अपॉन, मतलब फोर्स अपॉन एरिया कर दो, तो फोर्स अपॉन एरिया भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये अल्फा डेल्टा टी हो गया, बस इसको यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स भी मिल जाएगा, तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं गाइस, ठीक है, जिसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट और इसको अपन ने कंबाइन कर दिया, राइट सर, लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना, वो आयन रिंग, इसको लिख दो ना भाई, सर वन मिनट सर, चलो आगे बढ़े गाइस, सर वन मिनट, यहाँ पे देख, यहाँ पे मेरे रॉड को कंस्ट्रेंट किया हुआ है, मैंने हीट किया, तो ये रॉड बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बढ़ पाएगा क्या बताओ मुझे,
इसको मैंने हिट किया, मैंने दो वॉल के अंदर रॉड को डाला है तो बढ़ नहीं पाएगा। तो ये डेल्टा एल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ये डेल्टा एल होने वाला है, मतलब इसकी लेंथ कुछ फाइनल लेंथ ये हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल उसको कंस्ट्रेन कर रहा है, तो बोला है कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। समझे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे होगा सर? बोलो सर, मतलब वो कर्व होके, कर्व भी तो हो सकती है ना डेल्टा एल तक? हाँ, कर्व भी हो सकती है, थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, लेकिन वो बेंडिंग वगैरह सब नहीं आता अपने को, मतलब नहीं आता, मतलब अपने इसमें नहीं आता, जेई के सिलेबस में नहीं है सब बेंडिंग वगैरह सब चीज, ठीक है? तो हाँ, लेकिन गाइज बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करेंगे ना, उसमें इन सब लोग को ये बस सब इफेक्ट वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे डिपेंड है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और वो सब करने पड़ते हैं, जो अमन सर ने और मैंने आपको बोला था ना कंपल्सरी आपको बैठना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो अमन सर ने पढ़ाया था, ठीक है? लेकिन वैसे भी मेरे पैरल में मई मंथ में, ठीक है, मेरे पैरल में एक सर आएंगे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स ये चैप्टर पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे आपको पैरेलली, ठीक है? जो एक बार अमन सर ने पढ़ाया, लेकिन एक बार जेई लेवल पे नीट लेवल पे हो जाएगा वो चीज, ठीक है? अभी आगे बढ़ू मैं, तो ये हो गया, ठीक है? ये आप लोग कुछ कुछ जो चीज होती है ना, ये वाला करो, ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 करो जरा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एक बार मैं टच कर लेता हूँ, मतलब क्या है कि आप बाकी वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये कर लो जरा। तो कैलकुलेशन आप सब कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, हमेशा हमेशा मैं कैसे क्वेश्चन को करना है वो मैं बताता हूँ क्लास में, बाकी आप तो कैलकुलेशन पार्ट आप आराम से कर सकते हो घर पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिया, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो ये सब क्लास वर्क प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, अ ग्लास वेसल ऑफ कितना वॉल्यूम, ग्लास वेसल ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर, देख अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो कि एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर पूरा मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, ठीक है, अब ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी Hg, ठीक है, और ये है ग्लास, अब ग्लास के अंदर मर्क्यूरी डाला हुआ है एग्जैक्टली एकदम इतना सा इतना, दोनों का जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम V0 दिया है, इनिशियल वॉल्यूम V0 दिया है 100 सेंटीमीटर। चलो एक काम करता हूँ, मैं इधर नहीं इधर लिख देता हूँ सारे गिवन वैल्यूज। सो वॉल्यूम V0 की वैल्यू दी है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम मेरे को दिया है, इज फिल्ड विथ, ठीक है, मर्क्यूरी, इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री, तो इनिशियल टेम्परेचर इज 25 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर इज 75 डिग्री, जो जो दिया है सब लिखते जाओ, ठीक है। वॉट वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी विल ओवरफ्लो, अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दिया है, तो मुझे बताओ भाई अल्फा दिया है ना, तो व्हाट इज गैमा, व्हाट इज गैमा फॉर ग्लास, गैमा फॉर ग्लास क्या होगा, ठीक है,
मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे गैमा फॉर जो ग्लास होगा वो भी पता है अपने को कितना है, गैमा फॉर ग्लास कितना होता है, 3 into alpha, पढ़ा है ना अपन ने भाई, 3 into alpha, तो 3 into alpha मतलब 1.8 × 10⁻⁶, तो कितना हुआ यहाँ पे 5.4 × 10⁻⁶, ये हो गया गैमा ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी को मैं Hg लिखता हूँ, ठीक है, तो उसका गैमा ऑफ कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी भी दिया है यहाँ पे 1.8 × 10⁻⁴। तो ये सब कुछ वैल्यू जो भी दिया है वो लिख दो, ठीक है। अब हुआ क्या, होगा क्या, होगा देखो, अब होगा क्या कि मुझे तो सपोज एक ग्लास है ना, मतलब मैं ऐसा कुछ चीज का लेता हूँ उसका कोई एक्सपांशन ही नहीं होता, तो सिर्फ मर्क्यूरी एक्सपांड होकर गिर जाता, बराबर ना, बस मर्क्यूरी क्या होता है, एक्सपांड होता है, और जितना एक्सपांड हो रहा है उतना ही गिर जाता, क्योंकि ये कट टू कट भरा हुआ है, राइट गाइस, ये कट टू कट भरा हुआ है। यस सर। अब मैंने, अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये ग्लास भी एक्सपांड हो रहा है, मर्क्यूरी भी एक्सपांड हो रहा है। अब मुझे तो कब गिरेगा, जब मर्क्यूरी का एक्सपांशन ज्यादा होगा ना ग्लास से, भाई मर्क्यूरी का एक्सपांशन मतलब मर्क्यूरी फास्ट ज्यादा एक्सपांड हो रहा है ग्लास से, तो ये ओवरफ्लो होगा, नहीं तो क्या होगा, मुझे होता सपोज ग्लास ग्लास फास्ट एक्सपांड होता मर्क्यूरी से, तो कभी गिरता क्या? नो सर, नहीं गिरता। तो सिंपल सी बात है, मतलब बेसिकली कितना ओवरफ्लो करेगा जितना सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान में रखना यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये है वॉल्यूम फाइनल, ठीक है, मतलब तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ लेट्स से ग्लास, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है, ये है अपना इनिशियल वी नॉट, वो तो सेम ही है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना हुआ, 1 + गैमा ऑफ ग्लास डेल्टा टी, ठीक है। मुझे बताओ फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी कितना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी क्या है, वो भी तो बढ़ेगा, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट ही था, जो ये वी नॉट था वही वी नॉट लिख देता मैं, 1 + क्या, गैमा ऑफ वॉट, मर्क्यूरी, अब ग्लास एंड मर्क्यूरी ये ध्यान में रखना, डेल्टा टी गैमा जी है ग्लास के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो करेगा, वॉल्यूम ओवरफ्लो की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा आप ये अपना थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगा के वॉल्यूम ओवरफ्लो कितना होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भाई, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी होगा, मर्क्यूरी का वॉल्यूम फाइनल ज्यादा होगा, और इसका वॉल्यूम जो भी होगा, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही तो होगा ना गाइस, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी नॉट, ठीक है, ये वॉल्यूम ओवरफ्लो क्या होगा, गैमा ऑफ एच जी माइनस गैमा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी, समझ में आ रहा है, बस ये मेरा आंसर है। अब इसमें वैल्यू डालो सब लोग भाई, वी नॉट की वैल्यू डालो, गैमा दिया है, ये सब कुछ दिया, डेल्टा टी भी दिया है, डेल्टा टी 50 डिग्री, सब डाल के आंसर निकाल दो, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया, ठीक है, 0.87, ठीक है, 0.87 सेंटीमीटर क्यूब, ml जो भी है, ठीक है, 0.87 ml, ठीक है, 0.87 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करोगे 0.87 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो गाइस, मतलब ये वाला भी समझ में आ गया, मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब देखो क्वेश्चन ना बहुत सारे टाइप के बनते हैं, अब कुछ कुछ इवन एचआरएम में दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिया, मुझे बताओ मेरे एक डिस्क है उसको मैंने हिट किया, तो मुझे बताओ उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मुझे रेडियस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंक्रीज होगा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने फाइनल निकाला सपोज, ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल, अब मुझे बताओ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब क्या करने का, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, तो I1 ω1 = I2 ω2, राइट, यस सर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम = फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बोला भाई फाइनल एंगुलर स्पीड कितना होगा, निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, यस सर, समझ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते, और देखो ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m × r² राइट, m × r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसमें आर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 2 α हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर करेंगे तो, यस सर, देखो ना रेडियस होता है, सपोज मैं रेडियस को लिया लाइक 1 + α डेल्टा टी किया, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 α डेल्टा टी हो जाएगा, राइट, तो अपना बायनोमियल लाइक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आ सकता है,
समझा क्या? यस सर समझा। तो उस तरीके से क्वेश्चंस को करते रहोगे, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, अच्छे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है? ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। मतलब सिंपली रेडियस फाइनल निकाल के भी मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ वैसा भी, मतलब रेडियस मास से मल्टीप्लाई होता है, एमआर स्क्वायर होता है ना, लेकिन वो आर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, रेडियस हाँ, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, बट आप बाइनोमियल, लेकिन स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर करोगे तो तुम मुझे, एक मिनट मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये मतलब एकदम डेप्थ में जाके फायदा नहीं है, मेरे को एक बात बता, मोमेंट ऑफ इन, ओके एक मिनट सॉरी इधर ही कर लेता हूँ। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए ना करने के लिए, वो क्वेश्चन आपको करने हैं बाद में, एक मिनट मुझे टाइम कितना हुआ है ये मोमेंट, नहीं नहीं एक काम करता हूँ, मुझे वो थर्मामीटर का बढ़ाना, चलो ठीक है यहाँ पे देख लो पहले, लेकिन एक छोटा सा देख लो, एम इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट। अब मैंने सपोज मोमेंट ऑफ इधर मुझे बताओ, ये आर इनिशियल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इनिशियल कितना हुआ, एम इंटू आर इनिशियल स्क्वायर, बराबर ना। फाइनली सपोज आर फाइनल हुआ, आर इनिशियल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी यूज करेंगी यहाँ पे तू, yes, वो इधर यहाँ पे डालेगी, तो आई फाइनल क्या हो गया, एम इंटू क्या, आर फाइनल स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर। अब फाइनल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर मतलब क्या, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर मतलब ये टू यहाँ पे आ जाएगा ना, टू अल्फा डेल्टा टी, समझी? Yes, sir. हाँ, sir, तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक्स भी यूज करने पड़ेगा तुमको, ठीक है गाइस? ये क्वेश्चन सब दिया हुआ है, फिर उसने बोला कि फाइनल ओमेगा पूछा हुआ है, फाइनल ओमेगा पूछा हुआ है, तो आई वन, फिर आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, रोटेशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है चलो। बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं गाइस, बाद में करो, क्वेश्चन तो बनने के लिए बहुत सारे बन सकते हैं, अभी मैं फटाफट जाता हूँ थर्मोमीटर्स पे गाइस, एकदम लास्ट का 15 मिनट का सेशन है, ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है? थर्मोमीटर क्या होता है गाइस, थर्मोमीटर होता क्या है, ठीक है? थर्मोमीटर ये चीज होती है कि जो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करता है, थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। अब होता क्या पता है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है अपने सब्सटेंस की, मटेरियल्स की, उनको यूज करके हम थर्मोमीटर बनाते हैं। मतलब मुझे एक बात बताओ, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या यूज होता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे गाइस मर्क्यूरी थर्मोमीटर? एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी, भाई मर्क्यूरी जो होती है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ना, तो मुझे बताओ मर्क्यूरी थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में ऐसा ग्लास अपना होता है, ये ग्लास और यहाँ पे ऐसा डिप ऐसा कुछ होता है, इसमें पूरी मर्क्यूरी भरी रहती है, बराबर ना, ये मर्क्यूरी होगी, फिर सपोज इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कहीं पे भी डाला तो यहाँ पे टेम्परेचर रीडिंग होता है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा ना मर्क्यूरी का। अब ग्लास का एक्सपेंशन थोड़ा सा कम मानते, मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होगा, ग्लास का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हीट किया तो भाई बहुत ज्यादा होगा, तो अपन नहीं, अपन वो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी बहुत कम होता है, ये थर्मामीटर जब यूज होता है या फिर एकदम कम रेंज के लिए, ग्लास का एक्सपेंशन अभी बिल्कुल मानते नहीं, तो थोड़ा सा एरर तो आ जाएगा यहाँ पे राइट। अभी ऐसा करते मर्क्यूरी का एक्सपेंशन हुआ, मैंने यहाँ पे कहीं पे डाल दिया, तो मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होगा, तो ये मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होकर ये बढ़ते जाएगा, बराबर ना, मर्क्यूरी समझ में आ रहा है क्या? और वो अलग 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 जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उसका एक्सपेंशन होगा, और अलग अलग टेम्परेचर अपने को दिखाते जाएगा, तो ये हो गया मेरा मर्क्यूरी थर्मोमीटर। अब प्लेटिनम रेडिएशन थर्मोमीटर क्या होता है, अब प्लेटिनम रेडिएशन थर्मोमीटर क्या होता है गाइस, प्लेटिनम रेडिएशन थर्मोमीटर में क्या होता है पता है, रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस होता है, कोई भी चीज का जो रेजिस्टेंस होता है, जब रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस को मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको पता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, पता है? यस सर, यस सर। तो वो रेजिस्टेंस को मेजर करके अपन टेम्परेचर ढूंढते उल्टा, अब वो कैसे ढूंढेंगे मैं वो बताऊंगा, पहले तो टेम्परेचर मतलब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसके इसके थ्रू अपन ने टेम्परेचर को कैलकुलेट किया, तो मतलब रेजिस्टेंस जो बढ़ता है उसके हिसाब से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या होता है पता है, प्रेशर को यूज किया जाता है। मुझे बताओ आपको PV is equal to nRT गैस इक्वेशन पता है ना सबको? Yes, sir. तो yes, एक sir. बात मुझे बताओ, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, भाई वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो एक बात बताओ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा इसमें? प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा,
उससे कर दिया। मतलब इसको कैसे यूज होता है पता है, मतलब ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं। यहाँ पे एक सपोज एक गैस चेम्बर है, ये गैस यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से ना मर्क्यूरी डाली जाती है इसमें, जैसे मर्क्यूरी डाली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे गैस है और यहाँ पे ना ये जो चीज है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी है। तो अब ये सपोज इधर मर्क्यूरी डाली है, कुछ भी चीज डाली हुई है, जैसे कोई भी एक मतलब कोई भी लिक्विड डाला है, अब क्या करेगा बताओ मुझे, क्या करेगा, क्या होगा इसमें? जैसे ही मुझे बताओ, जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस गैस का क्या बढ़ा, गैस का क्या बढ़ा, प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो मर्क्यूरी को पुश करेगा नीचे, तो मर्क्यूरी ऊपर आएगी ना यहाँ पे, तो मर्क्यूरी ऊपर आएगी, तो बस उसको मेजर करके अपने थर्मामीटर बना दिया। समझ में आ रहा है? बट सर, तो हाँ बोलो सर, वो थर्मोमीटर ऐसा बेंट क्यों है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये बेसिकली ये इसमें आता है, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया नहीं है ना आपको, तो उसके बाद ये सब डायग्राम्स क्या है। अब कुछ 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 फ्लूइड मैकेनिक्स में इस टॉपिक में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कब वो फ्लोट होगा, मतलब कब वो फ्लोट करेगा, फ्लोट हो रहा है तो वॉल्यूम कर रहा है, वो सिंक होता है, कब होगा, ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आपको जमेंगे। देखो क्या होता है ना, एक चीज दिमाग में रख लो, कोई भी टॉपिक से जुड़ सकता है, राइट, बेसिक वे में। तो हर एक टॉपिक करने चाहिए, तो कुछ कुछ टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, उसके क्वेश्चन अभी आपको दिखेंगे। जैसे मैंने देखा था एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ क्वेश्चन ग्रेविटेशन वाले थे, जो ग्रेविटेशन अपन ने पढ़ाया नहीं है, तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन में छोड़ देने का, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने के, बाकी क्वेश्चन करते रहने का, क्योंकि ऐसा नहीं अपने पास एक साल बचा है ना जुलाई के बाद, जैसे जुलाई में अपना पोर्शन खत्म होगा उसके बाद हर एक चीज वापस करेंगे, ठीक है, राइट। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो मुझे तो प्रेशर जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा गाइस, सॉरी उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर को मेजर करके अपन ढूंढ सकते हैं ना। यस सर, ये छोड़ दो, ये तो मैंने एक वो कैसे दिखता है वो बताया। इसमें देखो ना, ये गैस जिसमें वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ गया, उसके वजह से मर्क्यूरी ऊपर नीचे हो गई और अपन ने रीडिंग बना दी, समझे, तो वो छोड़ो। तो मतलब क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग, समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे प्रेशर को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, पहले में क्या यूज कर रहे हैं मर्क्यूरी में, वो मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब लेंथ को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ को यूज कर रहे हैं, अलग अलग लेंथ होगी, राइट, एरिया को कांस्टेंट रखा तो। तो गाइस एक सिंपल सी बात है, तो कभी लेंथ को यूज कर रहे, कभी प्रेशर को यूज कर रहे, कभी रेजिस्टेंस को यूज कर रहे, तो उससे अपन अपने को थर्मामीटर मिल रहा है, मतलब अपन अलग अलग रीडिंग कर रहे हैं। अब क्या है ना, मैंने जो एक चीज आपको बताई थी यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में, टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट, यहाँ पे देखो टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इससे अपन ने क्या किया था, अलग अलग स्केल्स का कन्वर्जन देखा था, राइट, यस सर, ठीक है। yes, अब सेम इसी टाइप का एक अपन चीज यूज करने वाले हैं थर्मामीटर के लिए, ठीक है, ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अभी सब लोग ध्यान से सुन लो, मतलब देख लो यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर तो मैंने लिख दिया, आपको लिखना है तो यहाँ पे लिखो, पहले टाइप्स ऑफ थर्मामीटर करके लिख दो, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या यूज करेंगे, जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में कैसा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मर्क्यूरी थर्मोमीटर में तो पता है मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो एरिया अभी कॉन्स्टेंट लिख दिया तो लेंथ का एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे लेंथ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन, राइट, लिख के हो गया ये सब? नहीं सर, एक मिनट, हो गया? यस सर। तो अब यहाँ पे गाइस देखो, अब यहाँ पे सब लोग देखो, अब मैं जो ये जो बोलने ये जो बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसको आप
एक मतलब आप बोल सकते हो कि दिमाग में डाल देना आपको, ठीक है, दिमाग में डाल देना, एक मिनट रुको सर। अब मैं कुछ फॉर्मूलाज बनाने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो है ना वैसा का वैसा दिमाग में डाल दो, लेकिन ये कैसे आया मैं एकदम सिंपल सा केस बताऊं आपको, ठीक है। तो जैसे पहले मर्क्यूरी थर्मामीटर में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी यूज कर रहे थे ना, लेंथ यूज कर रहे थे बराबर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे भाई, लेंथ ऑफ द लेंथ चेंज हो रही है मर्क्यूरी थर्मामीटर में, सिंपल, क्योंकि एरिया सेम था, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है लेकिन एरिया कॉन्स्टेंट है ना मर्क्यूरी थर्मामीटर का, तो एरिया ऑफ प्रोसेशन सेम है तो लेंथ अपनी बढ़ रही थी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, लेंथ को यूज कर रहे थे, तो अभी क्या करना है भाई, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, कहीं ना कहीं तो कॉन्स्टेंट, अभी सपोज मैंने क्या बोला, एक लेंथ, पहले अपन ने लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम लिया, तो अभी ये मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, ये मर्क्यूरी कॉलम है, तो लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम मैंने लिया एल नॉट, एल नॉट क्या होता है, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एट कौन सा टेम्परेचर, एट आइस पॉइंट, मतलब ठीक है, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एट स्टीम पॉइंट, ये मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते अपन लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एट स्टीम पॉइंट। अब एल इज वॉट, लेंथ एट एनी टेम्परेचर, लेंथ एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब नाउ हाउ टू फाइंड दैट एनी टेम्परेचर, मुझे क्या निकालना है, मुझे बताओ, सुनने में आ रहा है क्या भाई, सुनने में आ रहा है, मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर में हम लोग हमेशा क्या मेजर करते हैं, लेंथ, लेंथ मेजर करते हैं ना बेसिकली, पता है ना, वो रीडिंग दिखा रहता है लेंथ, मर्क्यूरी से ऊपर ऊपर नीचे जाएगा, तो मैंने पहले ये दो तो मेरे को पता ही है, ठीक है, और ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो उससे मुझे बोलो कि उस पर्टिकुलर लेंथ पे टेम्परेचर कितना आएगा, तो कैसे करने का, यही ध्यान में रखना, यहां पर मुझे बताओ एल हंड्रेड माइनस ये जो चेंज इन लेंथ हुई वो सपोज हो गई 100 डिग्री के लिए, बराबर 100 डिग्री जब मेरा टेम्परेचर चेंज होगा तो इतना चेंज इन लेंथ होगा, तो मुझे बताओ एल नॉट मैंने क्या किया, एल जीरो मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो बोला है कि पर्टिकुलर लेंथ के लिए, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, यो टेम्परेचर मुझे निकालना है, ठीक है, उसके लिए कितना, ऐसे ही हुआ ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते ना अपन, राइट, इतने चेंज इन टेम्परेचर के लिए इतना चेंज इन लेंथ हुआ, तो इतने चेंज इन टेम्परेचर के लिए कितना चेंज इन लेंथ हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टी इंटू, मतलब मैं जो लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये देखो समझ में आएगा, ठीक है, एल माइनस एल नॉट डिवाइड बाय एल हंड्रेड माइनस एल नॉट इंटू हंड्रेड, समझ में आ रहा है चीज, यस सर, यस सर, दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड वॉट, ये इससे क्या मिल गया मुझे, टेम्परेचर मिल गया सम पर्टिकुलर लेंथ पे, समझ में आ रहा है, यस सर, ये मैंने एक मेथड बताया, आप एक्योरमा में देखो क्या, एक्योरमा में एक छोटा सा अलग मेथड लिखा है, उसमें अलग मेथड लिखा है कि जैसे टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर लेंथ के लिए होगा तो इस तरीके से लिखा है, और फिर उन्होंने ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट की है, फाइनली यही आएगा, समझे क्या, कि डायरेक्टली तो होगा नहीं ना, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, राइट, टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, लेकिन कैसे, ए एल प्लस बी या एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, फिर ए एंड बी की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, एट जीरो डिग्री लेंथ इज एल नॉट, एट हंड्रेड डिग्री लेंथ इज एल हंड्रेड, फिर एट एनी टेम्परेचर लेंथ इज एल, तो फाइंड आउट करो, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो मैंने डायरेक्टली इस तरीके का एक मेथड आपको बताया जो आपको डायरेक्टली याद रहे, समझे, यस सर, तो मुझे बताओ ये टेम्परेचर मिला मुझे लेंथ के हिसाब से, तो लेंथ के हिसाब से लिखो, अब मुझे तो इसमें रेजिस्टेंस होगा, तो क्या चेंज करोगे आप इस फॉर्मूला में, क्या चेंज करोगे, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री, देख लेंथ के जगह कौन सा पैरामीटर आएगा अभी भाई, मर्क्यूरी कॉलम, मर्क्यूरी थर्मामीटर में लेंथ यूज होता है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर में क्या यूज होता है, लेंथ के जगह, एल के जगह क्या यूज होता है, रेजिस्टेंस, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, सिमिलरली हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे चाहिए तो मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, या अलग कलर में लिख देता हूँ, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट जीरो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट जीरो इनटू 100, समझ में आ रहा है गाइस,
ये किसके लिए यूज करेंगे अपन? रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, बराबर ना? यस सर। ठीक है, मुझे बताओ प्रेशर थर्मामीटर में क्या यूज करेंगे, कौन सी क्वांटिटी यूज होगी यहाँ पे? प्रेशर भाई, प्रेशर एट एनी टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट जीरो डिवाइड बाय प्रेशर एट हंड्रेड माइनस प्रेशर एट जीरो इंटू हंड्रेड, काम खत्म तुम्हारा। ये हो गया मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, समझे? तीनों दिन फॉर्मूला लिख के रखो गाइस, इस चीज को लोग निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन अपने को पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं गाइस, आ सकते, कुछ भी हो सकता है आजकल जेईई मेन एंड नीट में। ठीक है, हेड पता है तुझे 8:30 के बाद तो टायर्ड हो जाती है लास्ट का, क्योंकि इसके ऊपर का क्वेश्चन भी तो मुझे दिखाना है क्योंकि लेक्चर फिर वापस नहीं होता। तो आप लोग जो भी चीज देखो लास्ट क्लास का कैसा होता है, ढाई घंटे का मुझे पता है कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा हेवी जाता है जो लास्ट का पार्ट है, मुझे पता है बहुत सारे लोग फिर वापस उसको रिकॉर्डिंग में भी देख लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग देखोगे कैसे? नहीं तो रिकॉर्डिंग देखने के लिए पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे, पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा तो ही अब रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। सपोज आपका थोड़ा थोड़ा लास्ट का चीज बाउंस जा रहा होगा, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ प्रणव, वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, यस सर, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्या रिकॉर्डिंग देखोगे आप? ठीक है, ये लिख दो, ये हो गया क्या? लिख के करो फटाफट, चलो। यस सर, डन सर, वन हो गया अपना ऑलमोस्ट भाई, लेक्चर खत्म हो चुका है, ज्यादा टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो, ठीक है, हो चुका है। सुनो अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या चीज यूज कर रहे हैं? यहाँ पे पूरे के पूरे अपन इसमें डिग्री सेल्सियस यूज करें, बराबर ना? कौन सा स्केल यूज करें भाई? सेल्सियस डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है एब्सोल्यूट स्केल, सब लोग देखो यहाँ पे, एक मिनट पहले ये लिख दो। एब्सोल्यूट स्केल कौन सा होता है गाइस? एब्सोल्यूट स्केल कौन सा होता है? केल्विन। आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में आप टी क्या यूज करते हो, जो अपन कैनेडियन गैस में वैसे भी देखने वाले, लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो मैं आपको बताता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर किसमें यूज करते हैं? केल्विन में यूज करते हैं, केल्विन में यूज करते हैं, बिल्कुल। चलो एक यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, एकदम दो मिनट की चीज है, यहाँ पे सब लोग देख लो, ये लिख के हो गया होगा आपका? यस सर। सर बोलो। सर आप बेसिकली कौन से भी स्केल में करना हो, बेसिक जो हमारा मेथड यही रहेगा ना, जो टेम्परेचर आएगा वी कैन जस्ट इंटरचेंज ना? ओके हो गया क्या ये? यस सर। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज होता है केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल, तो एब्सोल्यूट स्केल में क्या होता है गाइस? मुझे बता, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन जो होता है इसमें टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं अपन इसको? केल्विन में, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? तो अपन क्या करते हैं, P1 by P2 इज इक्वल टू क्या होगा? T1 by T2, बराबर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, तो अब ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, कभी कभी T1 T2 की जगह एक T जो होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ट्रिपल पॉइंट होता है,
ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना बोला था मैंने, बताओ मुझे जरा। 273.16। हाँ 273.16 केल्विन दिमाग में रखना, ठीक है। तो कभी कभी इसका भी यूज होता है, ये दो चीज लिख के रखो। अभी आप क्वेश्चन पे जाते, क्वेश्चन पे जाते गाइस, एकदम सिंपल। लास्ट का पास 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट भी नहीं, उससे भी कम, उससे भी कम। मुझे होता है 8:30 हो चुका है। कुछ लोग मेरे को गाली देते होंगे, बोलते हैं कि सर हमेशा 8:30 का 8:40 बना देते हैं, कर देते हैं, नहीं ना, ठीक है। गाली मतलब अंदर से गाली यार, ऐसा गाली 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 वाला नहीं, ठीक है। नो सर, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, सबसे कम टाइम पास आपको क्या लगता है कौन से लेक्चर में होता है? सबसे कम टाइम पास कौन करते हो? शिवम सर। शिवम सर ऑर्गेनिक, मतलब टाइम पास ही नहीं करते क्या वो लोग? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऐसे भागते रहते, भागते रहते, जाते पढ़ाते रहते, पढ़ाते रहते हैं। यस सर। मतलब कोई ऐसा एकदम बातें बीते कुछ करते नहीं है सर ज्यादा? और मैक्सिमम कौन करता है? मैक्सिमम आप मुझे लगा ही कौन कौन मेरे को सब, मैं ऐसा आंसर सुन रहा था मैं, क्या बोलेंगे लोग। और बाकी सब 8:30 को छोड़ते हैं क्या? 8:30 का थोड़ा सा पूछ भी करते हैं, एक हर बार हो जाता है सर। राहुल सर नहीं, जोक जोक सपोर्ट मुझे तो मैक्सिमम कौन करता है? आप लिख सकते हो चैट पे, लिख सकते हो, मेरे को पढ़ने दो ना। अरे नाम तो लिखो यार, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत अभी अलग अलग नाम आ गए आपके, मुझे कुछ कॉमन नाम, मेरे को लगा था कोई कॉमन नाम आएगा, कोई कॉमन नाम नहीं लिया यार तुम लोगों ने। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रेशर ऑफ द गैस इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एट स्टीम पॉइंट इज दिया हुआ है। देखो स्टीम पॉइंट में प्रेशर दिया है, व्हाट इज द प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? क्या बोला है? स्टीम पॉइंट पे ये, ट्रिपल पॉइंट पे क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो क्या यूज करेंगे अपन गाइस? क्या यूज करेंगे? P1 by P2 is equal to क्या? T1 by T2। तो मुझे बोला है कि प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट पूछा है, तो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट पूछा है, स्टीम पॉइंट पे दिया हुआ है, सब कुछ पता है आपको। तो अपन एक काम कर लेते हैं, T1 क्या है, एक मिनट मुझे क्या निकालना है, P1 निकालना है। P1 इज लेट से प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, तो दिस इज ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और P2 इज प्रेशर एट स्टीम पॉइंट, स्टीम टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? T1 कितना होता है टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट? 373 पॉइंट, सॉरी कितना होता है भाई ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? 273.16। और ये T2 जो है स्टीम का कितना होता है? 373.15। अभी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। ये डायरेक्ट है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं, खत्म बात। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान में रखने का, डायरेक्टली यूज करें। केल्विन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला, बेसिकली सिंपल सी बात है यार, आपने पढ़ा इसलिए डायरेक्टली मैं बोलता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही चीज है ना यहाँ पे, यही तो किया अपन ने, खत्म बात। आगे बढ़े? नो सर, वेट अ मिनट प्लीज। सिंपल था, देखो सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें, तो बकवास था एकदम। कभी कभी क्या है ना, फिर ये पढ़ाया नहीं ना मैंने और ये अब करते तो फटाफट छोड़ देते कुछ लोग, मतलब ये पढ़ाया नहीं था होता तो ऐसा पढ़ के बोला क्या ये स्टीम पॉइंट ट्रिपल पॉइंट क्या दिया है, छोड़ दो चलो, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर तो पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया कि एकदम सिंपल सी चीज थी, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अभी तक जो जो लास्ट तक बचे हुए बच्चे हैं उनको एकदम सिंपल जाएगा, कुछ है ही नहीं।
सुनो यहाँ पे सब लोग सुनो, क्वेश्चन सुनो। कोई भी टेम्परेचर कैसे अपन मेजर करते हैं गाइस, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर है ना, तो प्रेशर एट दैट टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट जीरो डिग्री डिवाइड बाय प्रेशर एट 100 डिग्री माइनस प्रेशर एट जीरो डिग्री इंटू क्या करते हैं 100 वो 100 डिग्री वाला 100 होता है, ठीक है। तो अब मुझे होता है कैलकुलेट द प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, तो मुझे ये निकालना है क्या दिया है रूम टेम्परेचर, मतलब मुझे क्या दिया है, इसके टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी है गाइस, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब गाइस ध्यान में रखना यहाँ पे जो प्रेशर होता है आपको मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में ये होता है कि प्रेशर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, ठीक है, P इक्वल टू एच रो जी करके आईसीएसई में लोग पढ़ते हैं एच रो जी, ठीक है। तो प्रेशर को हाइट ऑफ द मर्क्यूरी के अंदर भी लिखते हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा हाइट ऑफ द मर्क्यूरी। तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी मतलब क्या है, हाँ जो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ 73 सेंटीमीटर 100 मतलब तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट का कुछ पंगा है नहीं, ठीक है। तो बस काम खत्म हो जाएगा आपका, तो ये 20/100 कर लो, यहाँ पे 20/100 प्रेशर मुझे निकालना है, ये पी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, प्रेशर एट 100 जीरो कितना है 73 है, प्रेशर एट 100 कितना है 100 है, तो 100 माइनस 73 आपको समझ में आ रहा है, तो इससे पी मिल गया आपको, दिक्कत है कोई? नो सर। भाई दिया है ना ये सब कुछ चीजें, देखो ना यहाँ पे प्रेशर एट जीरो दिया है 73 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बस ठीक है। तो मुझे बताओ एक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। बस हो गया भाई काम तुम्हारा, अब सेम चीज यहाँ पे भी सेम चीज है, अब ये छोड़ दो, अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर सेम चीज, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में जो मैंने बोला ना वही, ये प्रेशर एट 100 प्रेशर एट जीरो प्रेशर एट 100 प्रेशर एट जीरो वही यूज करके आपको कर देते, हो गया आंसर तुम्हारा। अब इसमें रेजिस्टेंस का भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, रेजिस्टेंस का भी कभी पीक प्रेशर की जगह क्या आएगा, रेजिस्टेंस यूज करेंगे अपन, प्रेशर की जगह रेजिस्टेंस यूज करेंगे, अभी भी लेंथ यूज करेंगे मर्क्यूरी कॉलम थर्मामीटर में, समझे, लेंथ एट टेम्परेचर माइनस लेंथ एट जीरो डिवाइड बाय लेंथ एट 100 माइनस लेंथ एट जीरो, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है गाइस? यस यस सर। चलो गाइस तो अभी अपना हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर भी खत्म हो चुका है, जो एचआर में पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है गाइस। तो अपने दो चैप्टर्स हो चुके हैं, हीट एंड टेम्परेचर एंड कैलोरीमेट्री, ये दो चैप्टर्स अपने अलग अलग वे में हीट एंड एचआर में से हो चुके हैं। अब अपना थर्ड चैप्टर कौन सा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड देन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है गाइस। ये सब कंबाइन होगा, अभी तीन आगे के तीन चैप्टर्स में कंबाइन सिखाऊंगा सर। बोलो। हाँ बोलो सर। ये चैप्टर्स एचसीवी 2 में है राइट? एचसीवी पार्ट 2 में। हाँ वॉल्यूम 2। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय गाइस। बाय सर। थैंक यू सर। इसका पीपीटी शेयर कर दीजिए। यस यस ठीक है बिल्कुल सर। हाँ एक डाउट पूछूं? हाँ पूछ ले सर। अब जब आप इलास्टिक नेचर के बारे में बात कर रहे थे तो देन आई थॉट, सो देन मुझे एक ऐसा थॉट आया कि टेक्निकली इलास्टिसिटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो देन लाइट शुड बी इलास्टिक राइट? मतलब मैंने पूरा सा एक थियोरी बनाया है, मतलब क्या होगा मालूम है कि इफ स्पेस टाइम मतलब जहाँ हमारा लाइट प्रोपोगेट हो रहा है इट इज इलास्टिक, मतलब इफ इट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग देन इट हैज सम नेचर टू बी इलास्टिक, बट इट इज नॉट कमिंग बैक क्योंकि देर इज नो वे द फोर्स विच इज कॉजिंग डिफॉर्मेशन इज रिलीज, सो देन टेक्निकली हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है, सो इवेंचुअली एट सम पॉइंट अगर हमने एक पॉइंट माना जिधर से हमारा लाइट ओरिजिनेट कर रहा है एट सम डिस्टेंस उसका वेवलेंथ भी चेंज होता रहेगा एंड वो क्या इंटेंसिटी तो जाती ही रहेगी, वेवलेंथ उसका चेंज होता रहेगा एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मासेस एंड एवरीथिंग इट वुड बेंड विथ कर्व्स एंड स्पेस टाइम एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मासेस इन इट, सो टेक्निकली लाइट शुड बी इलास्टिक राइट? देखो एक तेरे को बात बताऊंगा मैं। हाँ इसमें
तू जो बोल रहा है ना, मैंने एक खास खास करके रिकॉर्डिंग में क्यों रखा, क्योंकि सब लोगों को सुनना है कि तू अच्छा है, तू सोचता बहुत एकदम अलग टाइप का है। अब एक काम करते हैं, ऑफलाइन जाते हैं अपन, ठीक है? ओके चलो, बाय गाइस, बाय गाइस, बचे हुए भाई गाइस, बाय बाय, चलो।